So guys, welcome back. Very good evening. दोस्तों, we are starting from section number 149, subsection 1. आप सभी जानते हैं कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर का होना जरूरी है. 1, 2, 3, OPC, private and public. आप बताएंगे maximum number of directors कितने हो जाए. It should not be more than 15. If the company wants to hire more than 15, they are supposed to pass special resolution. अगर कंपनी में 8 डायरेक्टर्स हैं और कंपनी के AO में 10 डायरेक्टर लिखे हैं, now you want to appoint 12 directors, you cannot do it. You have to amend your articles. उसके बाद में ही आप उतने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो. इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 प्रोविजन नंबर 2. वुमेन डायरेक्टर कौन से कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगी? लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी जहां पे 100 करोड़ आपका पेड अपशेयर कैपिटल या उससे ज्यादा होना चाहिए, या फिर 300 करोड़ टर्नओवर या उससे ज्यादा होना चाहिए. इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल वहां पे हो जाती है तो वहां पे लाना पड़ेगी एक महिला. एक महिला का होना आपके पास में बेहद जरूरी होता है दोस्तों. अगर महिला छोड़कर जाए तो आपको 3 महीने या फिर 3 महीने या फिर अगला जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा उसके अंदर आपको एक महिला को लाना बेहद जरूरी होगा. और जब ये एक्ट आया था उसके बाद में अगर आपके पास में उस समय कोई महिला नहीं होगी, आपको विद इन 6 मंथ्स यू आर सपोज टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर. दोस्तों, ये सेक्शन हमारा खत्म हुआ. उसके बाद में वी हैव सीन अबाउट द रेसिडेंट डायरेक्टर. इफ यू रिमेंबर गाइस, रेसिडेंट डायरेक्टर हम लोगों ने कल ही देखा था. रेसिडेंट डायरेक्टर वो था जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर थे उसमें से एक तभी डायरेक्टर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जब कंपनी चल रही है, यानी कि 21-22 में पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके कंपनी का एक तभी डायरेक्टर कम से कम वहां पे 182 डेज का स्टे इंडिया में करना जरूरी है. अगर कंपनी हाल ही में 4-5 महीने में, मान लो कंपनी 5 ही महीने हुए इस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो गए, तो 182 × 365 / 162 / 365 जितना भी प्रोपोर्शनेट आएगा उतने दिन तक इंडिया में रहना जरूरी है. अब जब आप मेरे साथ में यहां पे जुड़े हो, आप पढ़ने के लिए बैठे हो, तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको बोलना है. प्लीज मेरे साथ बोलिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. पूरा का पूरा लॉ हमने समझा है, अब वो समझा हुआ हमें रिकॉल करना है ताकि हमें एग्जामिनेशन में रिमेंबर यानी कि रिकॉल करना है. दोस्तों, 149 सबसेक्शन 4 की बात करते हैं. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की हम लोग बात करेंगे. यू ऑल नो व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो होते हैं जिनके चरित्र पर कोई दाग नहीं, जिनका एंटीविटी रहा, जो कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होता, उनका स्किल सेट उनके पास में कुछ होना जरूरी है. अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से कंपनी को एप्लीकेबल होंगे? लिस्टेड कंपनी को. ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी को उनका एप्लीकेबिलिटी होता ही है लिस्टेड कंपनी के अंदर. और अनलिस्टेड कंपनी में 10-50-100 याद करना, 10-50-100, 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 50 करोड़ बोरिंग एंड 100 करोड़ टर्नओवर. इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वहां पे वहां पे आपकी कंपनी के पास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है. अब बताओ कौन से कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड? पर अनलिस्टेड सारी नहीं, अनलिस्टेड में से 10-50-100 यानी कि 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 50 करोड़ बोरिंग, 100 करोड़ टर्नओवर, तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होने पर वहां पर अपॉइंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. लिस्टेड कंपनी में 3 डायरेक्टर कम से कम होना जरूरी है, और सॉरी 1/3 डायरेक्टर होना जरूरी है आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 1/3. और अनलिस्टेड कंपनी में 2 डायरेक्टर कम से कम आपके इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. कितने सालों के लिए अपॉइंट हो गए? 5 ईयर्स एंड देन 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड. 5 ईयर्स पहले 5 ईयर्स के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन विल बी पास, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन विल बी पास, उसके में 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा. वापस से अपॉइंट होना तो 553 वगैन ओआर एसआर और वो सब कुछ होगा. क्या इनको रेम्यूनेशन मिलेगा? जी हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मिलता है. आपकी सिटिंग फीस मिलती है, आने जाने का रिएम्बर्समेंट वो सब कुछ मिलता है, खर्चे का रिएम्बर्समेंट मिलता है, और साथ साथ में दोस्तों उनको प्रॉफिट में से भी रेम्यूनेशन दिया जाता है. क्या वो किसी कामों के लिए लायबल फॉर पनिशमेंट होंगे? नहीं होंगे अगर उन्होंने कुछ गलत चीजों में कंसेंट नहीं दिया. अगर उन्होंने गलत चीजों को कंसेंट दिया होगा तो वो लायबल फॉर पनिशमेंट हो सकते हैं. क्या ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन होते? जी नहीं, रिटायरमेंट बाय रोटेशन इनको होना ही नहीं है. कितने बार उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो इंडिपेंडेंट है? जब हालात कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए तो उनको बताना पड़ेगा. उनके अपॉइंटमेंट होने के बाद की जो पहली बोर्ड मीटिंग होती वहां पे, और साथ साथ में एक तीसरा कंडीशन, अपॉइंटमेंट होने के बाद की पहली बोर्ड मीटिंग, कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले बात की जो बात की पहली बोर्ड मीटिंग, और जब भी कोई हालात बदलेंगे तब उनको तीनों जगह में बोलना पड़ता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं और मैं इंडिपेंडेंट हूं. दोस्तों, आपने ये भी देखा कि कौन से अनलिस्टेड कंपनी जो पब्लिक है, कौन सी कंपनी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत, जैसे कि जॉइंट वेंचर, जैसे कि होली ओन सब्सिडरी और डॉर्मेंट कंपनी, इन जगहों पर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेपरेटली अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. अगर बात करें सेक्शन नंबर 150 की, 150 का संबंध 149(4) से है. 149 सबसेक्शन 4 कहता है कि आपके इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. बट द पॉइंट इज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लाए कहां से? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की दुकानें हैं नहीं, इसके लिए खास डेटा बैंक बनाया जाएगा. डेटा बैंक शुड बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एमसीए की वेबसाइट पर
या फिर एमसीए प्रमाणित जो वेबसाइट होती है वहां पे ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पाया जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अपॉइंट करने में कंपनीज की कोई गड़बड़ हो जाती है या कोई गलत व्यक्ति को अपॉइंट कर ले जाता है, उसके लिए वेबसाइट के ओनर्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। और ये जो वेबसाइट होती है ना, उसमें डायरेक्टर्स के सारे डिटेल्स अपडेटेड होना चाहिए। कंटिन्यूस बेसिस पर इस वेबसाइट को अपडेट किया जाता है। इसी के साथ में 150 सेक्शन ऑल्सो ओवर, हम लोग बढ़ेंगे आगे। दोस्तों सेक्शन नंबर 150 ये तो हमारा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें पर्सन एलिजिबल टू विलिंग टू बी अपॉइंटेड, ये चीजें आप जानते हैं कि हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कि कौन से लोग एलिजिबल टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, वो यहां से ही डेटा आया हुआ है। और 150 को मैंने ऑलरेडी आपके सामने बता दिया है। नाउ आई एम मूविंग ऑन सेक्शन नंबर 151। आई होप आप लोग सब मेरे साथ में है, मेरी स्पीड मेरी रफ्तार आप मैच कर पा रहे हैं। सभी लोग मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, आप समझने की कोशिश करिए आपका जो जिंदगी में ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वक्त चल रहा है, इससे ज्यादा कभी था भी नहीं। बिकॉज सीए फाइनल होने के बाद में यू बिकम प्रोफेशनल, आप घर वालों के लिए सपोर्ट बनने जा रहे हो। तो अगर पढ़ना ही है तो भाई साहब ध्यान से पढ़ो, एग्जस्ट से पूरा कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं आपकी रिविजन ले रहा हूं तो आपका काम बनता है, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप मेरे साथ में बोले, अदरवाइज इन लेक्चर्स का कोई उपयोग नहीं है। रिविजन कोई मैं अपने समाधान अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ले रहा हूं, रिविजन से आपको चीजें याद होंगी। बिकॉज इतनी सारे प्रोविजन है उनको याद करना बहुत मुश्किल है भाई, कम ऑन। आप बात करेंगे स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर्स की, कितने साल के लिए अपॉइंट होते, 3 years, क्या उनको दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं? जी नहीं, उनको दोबारा 3 साल के बाद कूलिंग पीरियड के बाद में अगर अपॉइंट करना है, he can be appointed in other capacity but not in the capacity of small shareholder director। कौन से कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है? लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। कितने स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? he can be appointed in maximum 2 companies जिस पर provided this other company is not the कॉम्पिटिटर ऑफ द फर्स्ट कंपनी। दोस्तों एसएसडी को लाने के लिए कितने स्मॉल शेयरहोल्डर ने अप्लाई करना चाहिए? 1000 या फिर उस बिरादरी के 1/10 लोगों ने अप्लाई करना चाहिए। कहां पे अप्लाई करेंगे? 14 डेज पहले कंपनी को नोटिस देंगे, कंपनी क्या करेंगे उसके लिए ओआर पास करेंगे, दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड। आप याद रखिए दुनिया का हर कोई एसएसडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना बेहद जरूरी है। अब नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट सेक्शन नंबर 161, 123। आज आपको इस चार्ट का होने का बहुत एहसास हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये चैप्टर कितना बड़ा था, 5 दिन यानी कि लगभग 15 घंटों का समय हमने इसमें बिताया। पर नाउ विद इन 22 मिनट्स वी आर गोइंग टू रिकॉल एवरीथिंग, स्टिल वी आर हैविंग 50 मिनट्स मोर। 161, 1, 2, 3, 4 गाइस, कम ऑन। एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल, कम ऑन। एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी, कम ऑन। एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल। एडिशनल डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर व्हिच इज अपॉइंटेड बिटवीन 2 AGM। ये अपॉइंट होगा अभी, वो काम करेगा कब तक? अगली मीटिंग तक, अगले एजीएम तक, या फिर एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड व्हिच इज अर्लियर तक। आपसे और भी एक प्रश्न बताएंगे दोस्तों, जिस बंदे को पहले एजीएम में रिजेक्ट करवाया, द थर्सन विल नॉट बी अपॉइंटेड एज व्हाट? एडिशनल डायरेक्टर इन दिस मीटिंग। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अल्टरनेट डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर जब कैटरीना कैफ या उसके से कोई डायरेक्टर व्हिच हैज गॉन अब्रॉड फॉर 3 months और मोर, उस केस में उसके बदले में दीपिका को अल्टरनेट डायरेक्टर बोलकर बनाया जा सकता है। दीपिका कब तक काम करेगी? जब तक कैटरीना वापस नहीं आ जाती। कैटरीना को जितने अधिकार थे वो सारे अधिकार जो है दीपिका को दिए जाते हैं। इफ द कैटरीना कैफ वाज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन दीपिका इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु गेट्स द चांस ऑफ गेटिंग रीअपॉइंटेड आंसर्स द कैटरीना कैफ। दीपिका पादुकोण वाज ऑलरेडी एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर शाहरुख खान, बट शी कैन नॉट बी एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर कैटरीना कैफ। ओके, नॉमिनी डायरेक्टर, देयर आर सम टाइम्स यू नो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वांट्स अ कंपनी टू अपॉइंट यू नो द नॉमिनी डायरेक्टर। इन दैट केस यू नो व्हाट हैपेंस, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड they can appoint nominee directors. See, nominee directors are only nominated by central government, state government and a financial institute. They are not appointed by them. Aisa mat samajna, they don't have that misunderstanding that it will be appointed by CG. Appointment will be done by the shareholder. The appointment will be done by the board of directors. Sorry. You know, what is the commonality of all these 4 sections? All these 4 sections are saying all the directors will be appointed through board of directors. This is the exception to section number 152. Subsection 2, because 152 subsection 2 says every director must be appointed by AGM and with the help of ordinary resolution. But in this case, here we are not passing OR, we are appointing all the directors with the help of board of directors resolution. My question is, guys, nominee directors okay, my question is casual vacancy. If any director has died or he has been removed or he has resigned the organization, there is a sudden vacancy
occurred in the organization, in that case, casual vacancy is required to be filled with the help of board of directors. Again, the question is it important to fill, is it compulsory to fill the casual vacancy? No, it's not compulsory. If they wish, they want, there's a willingness, they can do so. If the board of directors do not want to appoint any director, if somebody has gone, then also it's okay. Now the question is, Amrish Puri has gone. He had worked for 2 years, his 3 years period was left, and Om Puri is getting appointed. So Om Puri will work for not more than 3 years. If Om Puri is also gone, in that case, this is not called as a casual vacancy. Nobody else will be appointed to replace, the Om Puri, because Om Puri was not appointed by the shareholder. If you want to appoint somebody on behalf of Om Puri, in that case, it will not be called as casual vacancy. You want to appoint somebody on behalf of Om Puri, then you have to pass what? AGMPA ordinary resolution. I hope you get it, guys. Come on. Okay, everybody is getting this. Come on. Uske baad mein, I just want to tell you guys, there's one common, there's one similarity between section number 161, 2, 3, that this is possible only if the article has given permission to do it. If the article is silent about the appointment of the additional alternate nominee, then they will not be able to appoint it. Now, section number 152, you know guys, 152, subsection 1 says that the first director is the director whose name is written in the articles of association. If the article is silent about it, then the subscriber of the memorandum will be called as the first director of the company. Okay, the first director will work only till the first AGM, because in the first AGM ordinary resolution will be passed by the shareholder, and they will appoint the subsequent directors. 152 subsection 2 says that every director must be appointed by shareholder in AGM. 152 subsection 3, guys, come on. Every director should have director identification number. 152 subsection 4 says that, and 5 says that every director, every person who is willing to become director, he should give consent, as well as he should not be disqualified. Okay, 152 subsection 6, that there's a rotation of rotational director, and 152.7 says automatic reappointment. Now, what is, how many directors should be rotational? Two-third in the bracket, total minus independent director. In case it becomes fraction, then it should be upper rounded off. It means if the company is having 15 directors, independent directors are only 5, then 15 minus 5 is equal to 10, multiplied by 2, 3, the answer will be 6.67. In that case, upper round off is 7. 7 will be, 7 number will be the rotational director. Then how many directors will be retired? One third multiplied by seven. The answer will be 2.33, and in this case, it is a normal rounded off. It means two director out of seven directors will be retired. Now the question is, who will be retired exactly? Out of seven directors, the person who has served the largest, the longest period will be retired. But if all the directors are appointed at some particular date of time, some particular point of time, in that case, guys, the retirement of director will be done with the help of the mutual understanding, or it can be decided with the help of lot. Okay, guys, now in this case, what is happening, in case the AB got retired and nobody else is appointed, or the AB is appointed in this AGM, the AGM got adjourned, in the adjourn also nobody got appointed, in that case AB will be deemed reappointed. But AB will be deemed reappointed only if the following four conditions are fulfilled. Number one, they are willing to work, they're not, the resolution was not lost. Number three, they're not disqualified. And number four, nowhere it is said that OR or SR is required to be passed for their appointment. Section number 160, guys, come on, guys. I hope you're there. 160. Sunny Leon wants to get appointed in the company, she's required to send an application. She's required to send an application along with the DR, along with the DEN, along with the DR2, along with DR8, along with the check of 1 lakh rupees. This will be submitted to the company, and the company, there would be so many people, who would be interested to become a director. Everyone's notice will be sent to the shareholder. Then in the general meeting, shareholder will pass the ordinary resolution, and that person will be getting appointed as an additional will be appointed as a director. But come on, guys, the person, like in the previous section, we have seen that there's a case of reappointment. In the case of reappointment, AB was
retired, they are getting reappointed. In that case, section number 160 will not be applicable. I'm talking about the fresh appointment. In that case, any person who is willing to become appointed in the, any of the company, there is a, if it is a fresh appointment, in that case, the only route is 160. But in this case, if the, any of the candidate is not able to secure 25% of the vote, then that person will not be able to get the refund of 1 lakh rupees. But as long as need is concerned, 1 lakh is not required. Only 10,000 will be applicable. As long as section 8 is concerned, forfeitment of 1 lakh rupees may be possible or may not be possible. It depends on section 8 company's willingness. Section number 162 says that every person who is getting appointed as a director should have separate resolution for the appointment. Multiple directors cannot be appointed in single resolution. If you want to do so, then what, unanimous consent is required before you do it. Okay guys, come on. Section number 153, it goes till section number 159. Very simple. This is very easy to recall. Come on guys. 153 talks about if any person is willing to become director, he should apply for director identification number in form number 3. If the company is getting newly incorporated, and then there's no need of uploading DI-3. That is possible in what? Incorporation 32, that form is required. In that case, you can appoint maximum 3 directors along the incorporation. Otherwise, in the company's existing company, in that case, a new director will be appointed only through DI-3. Along with all the documents, the photograph and Aadhaar and PAN card and the digital signature will be required. And along with the digital signature of that particular person, the digital signature of CS or MD or CFO or director will also be required. Jis company mein wo director bolke appoint hone wala hoga. Okay. Okay, I hope everybody is with me. Okay, come on. 154 section says that within the span of 1 month, he will be able to get his DIN. As soon as you upload the data, you get TRN, and with the help of TRN, you are able to track when will you get your DIN. 155 says that one person cannot have more than one DIN. 156 says that if the existing director, when this in 2007, when the provision of DIN was introduced, in that case, the Mukesh Ambani was the director in multiple companies. He's required to make an application to the government for getting DIN, and once he get the DIN, within 30 days he should make an application to the company that he has received the DIN. And 157 says that as soon as the company gets a DIN from Mukesh Ambani, the company should submit his DIN to ROC within 15 days. 158 says that whenever any director wants to submit any information to the ROC, in that case they are supposed to mention DIN. 159 says that there's a penalty if the section number 152, 155 and 156 is not followed. In that case, there's a punishment as per section number 159. When there will be cancellation, there are certain circumstances in which the director identification number is getting cancelled. Number one, he died. Number two, he was insolvent. Number three, he was unsound mind. Number four, he has obtained director identification number by submitting false document. And number five, and he is having more than one DIN. I'll repeat once again. He died insolvent, unsound mind, holding more than one DIN. And number last, he has obtained DIN by providing false document. Under all such scenario, his DIN will be cancelled. Moreover, the DIN can be surrendered also. The DIN can be surrendered by the user itself. If he has never used DIN for the submission, or he has never become director, he has not used it for the submission, in that case, his DIN will be surrendered. Okay. Now, the question is, there's a concept called activation, deactivation. There's a concept called eKYC. If the eKYC is not done before 30th September of the next financial year, in that case, you understand there's a deactivation. It will be reacted if the provided all the documents are fulfilled. Okay, guys. There's a concept called DR6. Whenever any changes are done, see, when we submit an application DR3, a lot of information are required to be written. In case any of the information is getting changed, you are supposed to submit within 30 days to ROC in the form DR6. But along with that,
It is a responsibility of the director to upload or update the same data to all the companies wherever he is holding the directorship within 15 days. Come on, guys. Now, the next section, next question, 164. Guys, only few last two slides are left. I think we'll be able to cover it up. Come on. 164 and 167. What's the difference? 164 says directors will be disqualified. If the directors are having such kind of, you know, disqualification, they will not be able to become director. 167 says that, you know, they are already the director. If anything goes wrong, if any of the things, any of these things gets wrong, then they will be removed from the company. So that's why there's a 164 is used before he's getting appointed. 167, he will be removed from the organization. He will be vacated during the tenureship. Okay. So 164 is broken down into two parts, 164-1 and 164-2. 164-1, the tenure of the disqualification will vary from, you know, the case to case. 164-2 says that the tenure of disqualification will not be more than 5 years. What is 164-1? Disqualification, number one, if he's an unsound mind, he's disqualified. He's undischarged, insolvent, disqualified. He's applied to the court and court has not even approved it, still he is disqualified. He has been sentenced for more than 6 months, up to 7 years. So after he comes from the jail, 5 years he will be disqualified. If he has been sentenced for more than 7 years, permanent lifetime is disqualified. If the court or tribunal has said he should be disqualified, then he will be disqualified. He has not paid the money of call. He has not paid the money of call then for 6 months, then he is disqualified. He has done some fraud in related party transaction, then once it is committed for next 5 years, he will be disqualified. Then next, he is not holding, then he is disqualified. He is the limit of becoming directors in 20 company. It is exhausted. He is disqualified. Guys, now it's 164 subsection 2, again broken down into two parts. Number one, financial statement or annual return. If any of them is not submitted to ROC for consecutive 3 years, then they will be disqualified for 5 years. And then DDD, debenture, deposits and dividend. If it is not, including their interest, is not paid for 1 year after it is accrued. Once it is due, it is not paid in next 1 year, then all the directors will be disqualified for, you know, 5 years. But the question is, they will be disqualified from where? They will not be appointed in the next any other company, new company, for next 5 years. And moreover, if you do the combined interpretation of section number 164 and 167, it says that if he is working in Reliance, he will not be reappointed in Reliance, but he can work in Reliance company, although Reliance company has committed fraud. About TCS and about Infosys, the TCS, he was already an existing person of TCS, then immediately has to vacate from TCS. And if Infosys is the new company, he will not be appointed in Infosys for next 5 years. I hope it is already done when we were doing it. If you have not yet understood 167, again you can go through it because it was discussed in detail. 167 says that vacation, if any of the condition of section 164 is happened, then he is vacated. If he has been if the court has said he has to be vacated, then he will be vacated. He has been sentenced for more than 6 months, then he will be vacated. Next point, guys, if he has not been attending the meeting of the company for 12 months, last 12 months board meeting he did not attend, he will be vacated. Moreover, he did not disclose his interest as per section 184, he is disqualified. This one more point, he was the director of holding company, he is also director of the subsidiary company. He was removed from the holding company, so automatically he will be removed from, come on guys, the subsidiary company also. So 167 is also over, guys. 168, director can resign the company. Yes, director can resign the company irrespective whether the company is accepting his resignation or not. Doesn't make any difference. Within 30 days of his acceptance of the resignation, the company should submit his data in DI-12 to ROC. And in fact, it is the responsibility of director also to submit data to ROC in DIR-11 form. Okay, but whatever fraud he has committed before he has resigned, he will be himself responsible. 169, directors can be removed. Come on, guys, directors can be removed. But you know, directors can be removed. This section is divided into two parts. One is section number 241, one is section 169. 169 further will be divided into two parts, ORSR. If the person was already reappointed as an independent director, okay, in that case,
he will be removed with the help of SRs, passing special resolution. But what about OR? With the help of OR, that person can be removed in general meeting. If any, if the person is having the value of not less than 5 lakh shares, or I think 1%, let me check. The specific number of people, you know, will make an application to the, they will send the special notice to the company. For example, they want Rakhi to be removed. This information will be sent to Rakhi. Rakhi will get the representation. If the representation is submitted on time, that along with the notice, the representation of Rakhi will be sent to the shareholder. Shareholder will give their opinion in general meeting. If the ordinary resolution is passed against Rakhi, then she will be removed. Opportunity of being heard is given. Also, it is very important to understand that if the Rakhi did not submit her reply within prescribed time limit, she will be allowed to read, she will be allowed to speak during AGM, because you know the shareholder should know what she's what's her opinion about this. And then you know, but in case she's trying to get the needless publicity in giving the reply or while you know reading the reply, then that case she will not be able to read her reply, she will not be able to send her reply. Okay, this is called as removal of directors. But removal of directors is of Rakhi. In that the same removal, try to understand if Deepika also can be appointed in the same special notice. If the Deepika's name is also appointed, then what will happen? Rakhi will be removed and Deepika will be appointed. But for Deepika's appointment also, OR is also required to pass. And moreover, you have to understand, if the no one is appointed on behalf of Rakhi, then there will be casual vacancy and it will be filled with the help of section number 161 subsection 4. It means it will be filled with the help of board of directors resolution. And the question is, what was section number 241? Because 169 is broken down into two parts. One is 241 also. Sometimes tribunal, without passing OR, SR, can remove somebody if he is doing some operation. You have heard about operation and mismanagement, section 241. If tribunal thinks that some director is misusing the power and they're doing it operation on the shareholder, in that case some directors can be removed. And moreover, those directors can't even get the compensation. Moreover, those directors cannot be appointed in the company for next 5 years. And last one page, guys, I think we have already taken 26 minutes. I think 20. I think, I don't know, kitna minute hua hai, but maybe within 30 minutes we'll be able to finish. Last 2-3 minutes are left. As per section number 165, one person can be director in not more than 20 companies. When you count 20 companies, you should not count if the director is the director of a dormant company or section 8 company. If he is the director as an alternate position, that should be counted in the counting of 20. Moreover, maximum number of public company should not be more than 10. He can be the director of public company and maximum 10 companies. Moreover, if the private company कोई अगर प्राइवेट कंपनी है जिसकी होल्डिंग कंपनी इज द पब्लिक कंपनी, इन दैट केस दैट प्राइवेट कंपनी विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी इज हैविंग अ होल्डिंग कंपनी विच इज अ पब्लिक कंपनी, इन दैट केस सच अ प्राइवेट कंपनी विल बी कंसीडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी. ओके, सेक्शन नंबर 166, वेरी इजी. ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर शुड ऑलवेज वर्क इन गुड फेथ, ही शुड have due diligence, he should work skillfully, he should not create something which is in conflict of the company's nature of business, he should not delegate his power to anyone, he should always conduct meeting on time, he should approve financial statement, he should provide notices to all the shareholders, and these are the various duties of the board of directors. Now, what is section number 170 and 171? It is the responsibility of a company to maintain the register where they maintain the name, address, everything of the directors and campaign. Along with that, their holding of shares, their stake holding in company, company's holding company, company's the subsidiary and the holding company's subsidiary. So it is required to be maintained as per section number 170. Now, what is 171? It is the right of all the shareholders members to access the data of 170. In case he is denied, he can make an application to ROC. Moreover, he is having a right to access such things during office hours. In case he is denied, again he can make an application to ROC. He can also demand the extract
of this, and that is to be submitted to the members within 30 days span. Okay, that is all, guys. That is all about section number 172. And what is that is all about 171. And what is 172? If any of the section is a fail to talk about the punishment, silent about the punishment and fine, then that case the fine and punishment of section number 172 will be applicable. That is all, guys. That's all about the chapter number one. I hope it is done. I would require you to concentrate on section number now. What is section number? Let's recall all the section number. Come on, guys. Let's recall all the section number. Come on, guys. Agar aapko yaad hoga, please, aap isko samjhiyega. Okay. Let's do it. Come on, guys. Okay. आ जाओ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. वी आर ऑन सेक्शन नंबर, आई मीन जस्ट लेट्स रिवाइज ऑल द सेक्शंस. सेक्शन नंबर 149 1 टॉक्स अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. 149 3 टॉक्स अबाउट द रेसिडेंट डायरेक्टर. 149 सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. 150 द डेटाबेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. 151 स्मॉल शेयर डायरेक्टर. 152 यू नो द फर्स्ट डायरेक्टर एंड द एजीएम एंड द डेन एंड डीआर2 डीआर8 एंड रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड ऑल दैट. 153 टॉक्स अबाउट द application for DIN. 154, within 1 month you will get DIN. I would request everyone to please revise along with me. 155, one director should not have more than one director. 156 says that, you know, 156 says that existing director is required to submit his DIN within 30 days to the company. 157, company is required to submit his DIN to ROC within 15 days. 158 says that whenever data is submitted by director to ROC, the DIN has to be mentioned. 159 talks about the penalty. 160, the appointment of new director. 161, 1, 2, 3, 4, additional alternate nominee casual. 162, one person will be appointed, one per resolution. 164, discollection. 165, the max maximum number of directorship. 166 duties. 167 vacation. 168 guys, 168 about resignation. 169 removal. 170 the preparation of that book that is called register. 171 access to such register, and 172 is the punishment. That's all, guys. I hope it's ready, guys. Come on, I hope you all could recall. Everybody, come on. So yeah, it's time for taking the revision, guys. Come on, hum log revision lete hai abhi, aur revision mein hum log karenge chapter number 2. Ready, guys? Come on, everyone. Chapter number 2 ko aaj hum log aakhri baar revise kar rahe. We have revised chapter number 2 so many times, to bas bahut achhi baat hai. Chapter number 2 ka ek revision kab bhi karenge. और उसके बाद में सेक्शन नंबर 198 वाज लेफ्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, वो भी हमें करना बाकी है, वो भी हम लोग करेंगे. ठीक है, कैन आई प्रोसीड एवरीवन? चलो, तब तक आप लोग एक से एक निवेदन है कि आप क्या करें, ये लेक्चर को एप्लीकेशन पे भी चलाएं, सो दैट यू नो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो, वो भी आपको कॉल करेंगे. ठीक है ना? ओके, चलो डन. So guys, we are on section number 196. As per section 196, MD/WTD managers are appointed for 5 years. If you want to reappoint them, they cannot be appointed unless 4 years tenureship is over. Next point is, there's a need of passing board resolution. Subsequently, you have to pass ordinary resolution. In case schedule 5 is not followed, you are supposed to take the permission from central government also. In case board of director has given the approval, subsequently in the general meeting, shareholders did not give the approval, whatever activity has happened during this tenure will remain valid. Can you please tell me what are the disqualifications as per section number 196? As per section number 196, number one, if age is below 21, if age is above 70, that person will be disqualified. However, if you pass special resolution, if the person has attained, person has
already crossed 70 years age, in that case, you are supposed to pass special resolution. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओआर पास कर दीजिएगा और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लेना। तभी भी आप 70 साल से ज्यादा के व्यक्ति को एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बोल के अपॉइंट कर सकते हो। नंबर टू, अगर वो इंसान जिंदगी में कभी भी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट रहा होगा या आज है, वो फिर भी डिस्क्वालिफाइड है। तीसरी बात, वो कभी भी इंप्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा के पीरियड के लिए गया होगा तो बंदा डिस्क्वालिफाइड है। क्रेडिटर का पैसा कभी उसने चुकाया ना होगा या वहां पे सेटलमेंट करवाई होगी, वो बंदा डिस्क्वालिफाइड है। एज पर स्केड्यूल 5 उन 19 एक्ट्स में अगर उसको एक दिन की भी सजा हो रही हो या एक दिन का भी फाइन हो रहा हो, वो बंदा हो जाएगा डिस्क्वालिफाइड। कॉफी पोसा में अगर उसको सिर्फ कस्टडी हो रही है, वो डिस्क्वालिफाइड। 21 से एज कम हो रही है, 70 से ज्यादा हो रही है, डिस्क्वालिफाइड। वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, डिस्क्वालिफाइड। इंडिया के रेसिडेंट में और कौन से लोग आते, एनी पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर लास्ट 12 मंथ्स एंड नाउ आई शिफ्टेड टू इंडिया फॉर डूइंग बिजनेस और डूइंग यू नो जॉब, दैट पर्सन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसी तरह की केस में रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, एज पर सेक्शन 203 As per section 203, appointment of KMP is very important for those companies which are listed and companies which are unlisted having paid up share capital of at least 10 crore or more. KMP में कौन कौन आते हैं? Managing Director, WTD या फिर Manager, CFO, CS, इनको KMP में शामिल किया जाता है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, आपका paid up share unlisted है, तो paid up share capital 10 crore है, उससे ऊपर है, तो आपको KMP को अपॉइंट करना जरूरी होगा। जहां तक की बात है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, अगर सीएस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो वहां पे एक होल टाइम सीएस का होना जरूरी है। एक कंपनी का एमडी दूसरे कंपनी का एमडी बन सकता है क्या? हां, पॉसिबल है, अगर दूसरे कंपनी में यूबीआर आता है तो। एक कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर, एक कंपनी का होल टाइम की पर्सोनल, क्या दूसरे कंपनी का होल टाइम की पर्सोनल हो सकता है? जी नहीं। करना है तो दूसरी कंपनी सब्सिडरी चाहिए तो ही यह मुमकिन है। उसके बाद में जैसे कैजुअल वैकेंसी, अगर इस केएमपी का अगर कैजुअल वैकेंसी होता है तो 6 महीने के अंदर उसका सब्स्टिट्यूट लाना जरूरी है। इफ यू कंपेयर दिस सेक्शन विद सेक्शन नंबर 161(4), अगर कोई डायरेक्टर का कैजुअल वैकेंसी होता है तो उसकी जगह पे कोई लाए ना लाए परवाह नहीं है, पर इन एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर का अगर कैजुअल वैकेंसी होता है तो 6 महीने में लाना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। ओके, As per section number 197, come on. Section number 197 says about the managerial personnel. अगर कंपनी का प्रॉफिट है या कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है तो मैक्सिमम 11% देंगे। अगर कंपनी में एक ही एमडी डब्ल्यूटीडी है तो कितना देंगे? 5%। एक से ज्यादा तो कितना देंगे? 10%। नॉन एग्जीक्यूटिव को अगर एमडी डब्ल्यूटीडी है तो नॉन एग्जीक्यूटिव को देंगे 1% और एमडी डब्ल्यूटीडी नहीं तो कितना देंगे? 3%। इससे ऊपर जाना है, चाहे 3 से 10 से 11 से ऊपर जाना, आपको एसआर पास करना पड़ेगा। पर अगर 11 से ऊपर जाते तो आपको स्केड्यूल 5 भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर कंपनी का इनएडिक्वेट लॉस, इनएडिक्वेट प्रॉफिट या लॉसेस है, उस केस में आपके कंपनी को स्केड्यूल 5 के हिसाब से अप टू 250 के ऊपर ये इस तरह का इफेक्टिव कैपिटल चेक करना होगा। उसी साथ में रखेंगे अप टू 5 के लिए आपके इसमें 60 लाख, अप टू 100 के लिए 84,
अप तू 250 के लिए आप केस 120 देन 120 प्लस 0.01% इतना ही हम लोग मैक्सिमम सैलरी दे सकते हैं पर पर्सन पर एनम। इसके ऊपर जाना तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। साथ साथ में कंडीशन बी के हिसाब से जिस बंदे को हम लोग पैसे दे रहे हैं, पहली बात तो लॉसेस है फिर भी दे रहे हैं, तो उस केस में दोस्तों उसके पास में ग्रेजुएशन का डिग्री होना जरूरी। उसका कोई भी कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में, हमारी कंपनी में, सब्सिडियरी में, कहीं पे भी कुछ शेयर होल्डिंग नहीं चाहिए। साथ साथ में कंपनी के डायरेक्टर के, प्रमोटर का वो कोई रिलेटिव्स नहीं चाहिए। पर ये जब भी कभी सैलरी आप देंगे तो मेक श्योर, चाहे लॉस भरी हालात में अगर आप उसको सैलरी दे रहे तो आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। लिमिट के अंदर है तो आपने ओआर पास करना चाहिए, लिमिट के ऊपर गया तो आपने एसआर पास करना चाहिए। और जिन बैंक का पैसे आपने नहीं लौटाया है उन बैंक का परमिशन भी आपको लेना जरूरी है। इफेक्टिव कैपिटल किसको कहते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपी प्लस लॉन्ग टर्म लोन जो आपने लिया, माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और माइनस कर देंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और साथ में माइनस करेंगे जो लॉसेस आपके पेंडल अकाउंट में होंगे उन सबको आप माइनस करेंगे। साथ साथ में इन जो रेम्यूनरेशन की बात करते हैं उसमें सिटिंग फीस शामिल नहीं होती। सिटिंग फीस 1,00,000 से ज्यादा की नहीं हो सकती है। वुमेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो सिटिंग फीस है वो बाकी लोगों से कम नहीं होना चाहिए। सिटिंग फीस को ऊपर वाले रेमुनरेशन का जो हमने परसेंटेज देखा उसमें शामिल नहीं करना। उसके बाद में आपसे एक सवाल है, इंश्योरेंस कंपनी का जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाता है जिसकी वजह से डायरेक्टर प्रोटेक्ट होते हैं, उसको सैलरी में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। अगर डायरेक्टर ने कुछ ऐसा काम किया होगा, फ्रॉडुलेंट काम किया होगा, नेग्लिजेंस किया होगा, तो उसको सैलरी में शामिल करेंगे, उतनी सैलरी कम देंगे। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि जब भी ऑडिट रिपोर्ट बनाए तो उसने चेक करना चाहिए कि जो भी सैलरी दी जा रही है इट इज एज पर स्केड्यूल 5, इट इज एज पर व्हाट 197। लॉस भरी हालात में स्केड्यूल 5 को चेक करेगा, नॉर्मल केसेस में 197 को चेक करेगा। उसके बाद में अगर किसी को 197 सबसेक्शन 9 के हिसाब से अगर किसी को एक्सेस सैलरी चली गई होगी तो कंपनी दो साल के अंदर उससे रिकवर करा सकती है। अगर कंपनी इसको छोड़ना चाहती है तो कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा, साथ साथ में उन बैंक से पूछना पड़ेगा जिन बैंक का पैसा आपने नहीं लौटाया। अगर मैं आपसे एक बात पूछूंगा दोस्तों, आप मुझे जवाब दीजिएगा, यहां पे लिखा है रेम्यूनरेशन कैसे हो सकता है? रेम्यूनरेशन फिक्स्ड भी हो सकता है, रेम्यूनरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, रेम्यूनरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। जब भी आप सैलरी डिसाइड करोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सैलरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड नहीं करेंगे। सैलरी का मैक्सिमम अप टू परसेंटेज भले ही लॉ ने दिया है, पर सैलरी डिसाइड करते समय आपने पहले चेक करना चाहिए आर्टिकल क्या बोल रहा है। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो आपने कंपनी में ओआर पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सैलरी डिसाइड करना चाहिए। और अगर आर्टिकल में लिखा होगा एसआर पास करके ही सैलरी डिसाइड होना है तो एसआर पास करना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 199। आप सभी जानते हो 199 क्या है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉडुलेंट कुछ काम किया हो या कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया जिसके से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पूरी तरह से चेंज हो रही है, जिसके से प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो जाएगी, कंपनी का प्रॉफिट वाज ओनली 1,000 करोड़, बाय डूइंग सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी डायरेक्टर मेड इट 2,000 करोड़, डायरेक्टर वाज सपोज टू गेट 110 करोड़ मैक्सिमम, नाउ डायरेक्टर कुड गेट 220 करोड़। Because of this fraudulent act, director was able to get more than what they were supposed to get. 110 करोड़ रुपए डायरेक्टर को ज्यादा मिल गए। क्या आप डायरेक्टर से जो पैसा एक्सेस गया के वापस ले सकते हैं? हां जी ले सकते हैं वापस से, there is no doubt about it। ये पैसा उनको वापस देना पड़ेगा। 200 की बात करेंगे, सेक्शन 200 में ऐसा लिखा है, अगर दोस्तों अगर कंपनी लॉस में चल रही है और लॉस भरी कंपनी को अगर आप डायरेक्टर को फिर भी सैलरी देना चाहते हो अप टू 60 लाख, अप टू 84 हो सकता है, बियॉन्ड लिमिट भी जाना चाहते हो, व्हाट एवर द केस इट मे बी, लिमिट के अंदर रहोगे तो आपको ओआर पास करना होगा, लिमिट के बाद में गए तो आपको एसआर पास करना होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो आपको ये 200 में जो जो चीजें लिखी है वो सोचना जरूरी है। व्हाइल पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, व्हाइल पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, shareholders are supposed to consider following factors as per section 200 and as per the rules. Section 200 के हिसाब से आपको सोचना होगा। देखो ये सारी बातें सोचने की जरूरत है as per section 200. Shareholder ने financial position को check करके हाँ या ना बोलना चाहिए, ये भी check करना चाहिए director को हमारी कंपनी में अंदर capacity में कितना पैसा मिल रहा है, ये भी check करना चाहिए दूसरे कंपनी से कितना पैसा मिल रहा है, चौथी बात उसके qualification क्या है, और as per the regulations, as per the rule, भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और चीजें ला सकता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट इमोशनल हो जाती है. सेंट्रल गवर्नमेंट में पांच चीजें और जो कहते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि वाइल पासिंग ओआर और वाइल पासिंग एसआर इन पांच फैक्टर को सोचना जरूरी. एक, पिछले तीन साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना जरूरी. ये भी चेक करें जिस बंदे को आप जितना रेमुनरेशन दे रहे हो वो काम कितना करता है. ये भी देखिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रेमुनरेशन पॉलिसी सबके लिए कैसा है और इन लोगों के लिए कैसा है. ये भी चेक करो कि इस डायरेक्टर को मीडियन से कितना ज्यादा मिल रहा है. और लास्ट में ये भी चेक करना जरूरी इसका कितना स्टेक होल्डिंग, कितना शेयर होल्डिंग इस कंपनी में है. ऑल दिस फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड वाइल पासिंग ओआर एंड एसआर. आप सभी जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना बहुत जरूरी है. यू ऑल नो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. व्हेन उस इंसान की उम्र 70 साल हो गई उसके बाद में भी अगर आप उसको MD WTD बनाना चाहते हो आपको एसआर पास करना पड़ेगा. पर जिस कंपनी में एसआर पास नहीं होता भाई और बहनों उस कंपनी में ओआर के साथ साथ में एसआर भी चलता है. सॉरी ओआर के साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर शेड्यूल 5 का कोई भी एक चीज हो अगर आपने कॉफी पोसा में गलती की आप 19X में गलती की आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं हो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी MR2 में अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर. वो करने से पहले आपने शेयरहोल्डर को नोटिस देना चाहिए. साथ साथ में नोटिस कहां पब्लिश होना चाहिए न्यूज़पेपर में लोकल भी और जो लोकल लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी. और जो नोटिस आपने भेजी उसका कटआउट भी आपने मेल से गवर्नमेंट को भेजना चाहिए. ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड बिफोर यू सेंडिंग एप्लीकेशन टू व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट. फॉर्म का नाम याद रखना MR2. 202 की बात करेंगे दोस्तों. कॉम्पेंसेशन की बात कर लेंगे. ही वॉज अपॉइंटेड फॉर 5 years बट ही हैज वर्क्ड फॉर ओनली 2 years. अब 3 साल उसके बाकी है और मैक्सिमम लोग 3 साल ले सकते हैं. 3 और 3 विच इज हायर विच इज लोअर. तो 3 साल का कॉम्पेंसेशन मिलेगा. कॉम्पेंसेशन कितना मिलता है मैक्सिमम 3 साल होगा. कॉम्पेंसेशन का फॉर्मूला क्या है जितनी उसकी टेन्योरशिप बची है और 3 साल विच एवर इज लोअर लेते. फॉर एग्जाम्पल इज वर्क फॉर 4 years तो 1 साल और 3 साल विच एवर इज लोअर यानी कि 1 साल का कॉम्पेंसेशन उसको मिलना जरूरी है. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कॉम्पेंसेशन कैसा दिया जाएगा. पिछले जितने साल फॉर एग्जाम्पल 4 साल काम किया है वो 4 साल काम किया है ठीक है. तो आपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का जितना सैलरी मिला उसको 3 से डिवाइड करना. सपोज ही हैज वर्क्ड फॉर 2 years इन द ऑर्गेनाइजेशन तो 2 साल की जितनी सैलरी उसको 2 से डिवाइड करना. यानी कि चाहे वो कितने भी साल काम किया आपने सिर्फ 3 साल का एवरेज लेना चाहिए. अगर 3 साल तक का काम किया है अगर उसने 1 साल का काम किया तो 1 साल का एवरेज लेंगे. 2 साल का काम किया तो 2 साल का एवरेज लेंगे. 3 साल काम किया तो 3 साल का एवरेज लेंगे. और 4 साल का काम किया तो आपके नजदीकी 3 साल का एवरेज लेंगे. ओके फाइन गाइस एवरीबॉडी एवरीवन कम ऑन एवरीवन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड. सभी लोग हाँ या ना कुछ बोलेंगे. एवरीबॉडी कम ऑन आर यू रेडी गाइस कम ऑन चेक इट आउट. अब बात करेंगे कब कब कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता. कॉम्पेंसेशन तब नहीं मिलना चाहिए जब उसने रिजाइन किया हो. एक दूसरी बात वाइंडिंग अप उसके वजह से हुआ हो. तीसरी बात दोस्तों उसने फ्रॉडुलेंट एक्ट किया हो. उसको नए कंपनी में जॉब मिल रहा था फिर भी उसने जॉब न लिया हो. He was vacated as per section number 167. Under all such scenario, he will not be eligible to get the compensation. As per section 204, secretarial audit of the bigger companies. अगर कंपनी लिस्टेड हो या कंपनी अनलिस्टेड हो जिसके अंदर 50 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल हो 100 करोड़ की बोरिंग हो या 250 करोड़ का टर्नओवर हो व्हिचएवर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है वहां पे एक कंपलसरी आपको सीएस का ऑडिट करवाना जरूरी है. ऑडिटर आएगा सभी लोग असिस्टेंस करेंगे. ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट का उत्तर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने रिपोर्ट में देना चाहिए. एज पर सेक्शन 5 फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. क्या बोला फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या मतलब हुआ इसका. इसका मतलब ये होता है कि जो सेक्शन नंबर 203 में जो लोग अपॉइंट हुए हैं उनका काम क्या होता है. एक्चुअली पहली बात तो वो कंपनी के अंदर गुड सेक्रेटरी प्रैक्टिस लाने के लिए काम करते हैं. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाने की कोशिश करते हैं. दे मेक ऑल द डायरेक्टर्स अंडरस्टैंड देयर पावर्स एंड देयर ड्यूटीज. साथ साथ में दोस्तों इतना ही नहीं पावर्स एंड ड्यूटीज ही नहीं साथ साथ में कंपनी के अंदर जब भी बोर्ड मीटिंग लेना हो चाहे जनरल मीटिंग लेना उसकी नोटिस भेजना उसकी रिजोल्यूशन बनाना ये सारे काम उसकी होते हैं. कंपनी को अगर नोटिस आ जाती है कंपनी के नोटिस आने के बाद में उसका प्रत्युत्तर कंपनी का रिप्रेजेंटेशन कौन देगा यही बंदा देता है. कंपनी के अंदर अच्छे कंप्लायंसेस लाना उसकी रिपोर्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कराना ये सारे काम सीएस के होते हैं. इसके साथ साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको कुछ और अलॉट किया होगा तो वो भी काम वो करते हैं.
I hope you are understanding. We are done with all the sections. Section number 196, the appointment 197, remuneration 198, PNL account 199, recovery 200, government को apply, नहीं sorry, OR और SR pass करते समय what factors are required to be considered? 201 government को apply कैसे करना चाहिए, 202 compensation, 203 KMP, 204 bigger company का CS audit, 205 functions of CS. I think this chapter का revision is over. We can proceed further. Are you there guys? Come on. सब लोग जवाब देंगे. Are you ready? Have you all understood? अब जितने लोग ऐप पे दिख रहे हैं कि आपको ऐप पे दिखाई दे रहा है, बच्चों आप लोग को ऐप पे दिखाई दे रहा है, वैभव आपको ऐप पे दिखाई दे रहा है, अच्छा सभी लोग ऐप पे दिख रहे हैं, ओके अच्छी बात है अगर आप ऐप पे दिख रहे हो। आज का लेक्चर जो है मैं यहां पे इसलिए रखा था कि आपका कोई लॉस ना हो, ओके लेट्स स्टार्ट गाइस कम ऑन, ओके एवरीवन कम ऑन चेक इट आउट, ये हमारा हो गया है चैप्टर को रिवाइज करके। बैक टू बैक करेंगे रिवाइज, देखते हैं अब कितने मिनट में हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। बहुत ही कम समय में हमारा टारगेट इसको रिवाइज करने का, देखते हैं कितना वक्त लगेगा। सेक्शन नंबर, सो लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ सीए फाइनल, जहां पे 173 से लेकर ओ माय गॉड 195 तक के सेक्शंस चलते हैं। 194-195 सेक्शन ऑफ सिलेबस में नहीं है, तो 193 तक हमें देखने का वक्त आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, कम ऑन चेक इट आउट, देखते हैं। So, दोस्तों इस वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें। इसके अंदर पूरे लेटेस्ट अमेंडमेंट व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 21 एंड मई 22 इज देयर, एंड दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल, सो दैट एवरीबॉडी हु इज लर्निंग दिस लेक्चर विल बी एबल टू एक्सेस दिस लेक्चर व्हेनेवर दे वांट इट, व्हेनेवर दे वांट इट, कम ऑन। So, frequency of कितने बार board meeting होना चाहिए, 4 बार, and the gap between two meetings should not be more than 120 days. पहली board meeting कब होती है, incorporation के 90 days के अंदर। दोस्तों resolution pass करने के लिए कितने तरीके होते हैं, एक तो मीटिंग में द्वारा और एक तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। मीटिंग में दो तरीके होते हैं, एक तो फेस टू फेस मीटिंग होती है और एक तो वीडियो मीटिंग होती है। दोस्तों मीटिंग में आने के दो तीन तरीके होते हैं, एक तो कॉन्फ्रेंस से भी आ सकते हैं आप, इन पर्सन भी आ सकते हैं, या आजकल जूम कॉल से भी आ सकते हैं। कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो वीडियो मीटिंग में होना अलाउड नहीं है, वीडियो मीटिंग में क्या अलाउड नहीं है साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल, बोर्ड मीटिंग का अप्रूवल, प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल, यू नो अमल कमीशन मर्जर, ऐसे सारे जो चार चार पांच जो काम है उसके लिए आपको वीडियो मीटिंग अलाउड नहीं है। पर जब तक कोविड चल रहा है वीडियो मीटिंग में अलाउड है। उसके बाद में अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन, सो नोटिस शुड बी सेंड 7 डेज बिफोर द बोर्ड मीटिंग, क्या आप नोटिस का ड्यूरेशन कम कर सकते, यस इट इज पॉसिबल, बट एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड अटेंड द मीटिंग, बट व्हाट हैपेंस इफ इज नॉट देयर, उसका फर्दर सबसिक्वेंट अप्रूवल लेना जरूरी है। दोस्तों रूल्स फॉर द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि चेयरपर्सन की, चेयरपर्सन ने सेक्रेटरी ने क्या करना चाहिए कि देखना चाहिए कि मीटिंग चालू होने से पहले सबको सुनाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, उस पर डेट आ रही है, इट इज गेटिंग सिक्योर, नो अनदर पर्सन इज गेटिंग एक्सेस, किसी अन्य पर्सन को एक्सेस नहीं मिल रहा है। उसके बाद में यहां पर यह भी चेक करना चाहिए कि जो बंदा जिसको जब नोटिस भेजते हैं तो नोटिस भेजने के पहले उसको लिखना चाहिए आप चाहे तो बोर्ड मीटिंग में वीडियो मीटिंग वीडियो द्वारा भी आ सकते हो, और जिनको वीडियो द्वारा आना है उन्होंने पहले से इंटीमेट भी करना चाहिए हम लोग वीडियो में आने वाले। पर वीडियो वाला अगर मान लो बीच में आ भी जाता है, देखो अगर आपको बार बार आपको लगता है कि आपको पूरे साल में वीडियो मीटिंग से ही आना है, तो आपने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले ही बोल देना चाहिए कि हां भाई पूरे साल भर में वीडियो मीटिंग से आऊंगा, तो आपको बार बार बोलने की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आपने वीडियो मीटिंग में बोल दिया कि आपने बोल दिया नोटिस में कि मैं वीडियो मीटिंग में आऊंगा, क्यों मैं बाद में फिजिकल मीटिंग में आ सकता हूं, यस आई कैन कम इन फिजिकल मीटिंग आल्सो। दोस्तों आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, इस महफिल में कोरम कितना होना चाहिए, 1/3 और 2 हो
whichever is higher, यानी कि 15 डायरेक्टर होते हैं, पांच या दो विच इज हायर, यानी पांच दोस्तों पर जिस कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर होते हैं 2/3 या उससे ज्यादा, यानी कि 12 डायरेक्टर है, 8 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो 4 और 2 whichever is higher, यानी कि 4 डायरेक्टर होना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछता हूं, दोस्तों ऐसा अगर होगा जो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी होती है, सेक्शन 8 कंपनी को उनके 25% और 8 whichever is lower, पर ऐसी उनको सुविधा तब मिलती है जब उन्होंने सेक्शन नंबर 92 के साथ में और 137 के साथ में प्रॉपर फुलफिलमेंट किया हो। आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं दोस्तों, बताना, जब भी हम लोग 1/3 करते हैं, जो कहते हैं राउंडेड ऑफ आते हैं, उसको एक मानना चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए। जब कोई डायरेक्टर का वैकेंसी हो जाती है, तो उसको जैसे ये 15 डायरेक्टर थे, दो मर गए, तो अब जो भी करना है 1/3 आपको जो करना है 13 का ही करना है। और रही बात दोस्तों, यहां पे दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जिस ओपीसी में एक ही डायरेक्टर होता है, तो क्या मीटिंग लेगा। आपसे एक सवाल, नोटिस किसको भेजते हैं? नोटिस सबको भेजना चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, वो अल्टरनेट डायरेक्टर हो, इंटरेस्टेड, एवरीवन। अगर वो खुद बोलता भी ना कि मैं मीटिंग में नहीं आने वाला, मुझे नोटिस मत दो, फिर भी उसको बोलना जरूरी है। अगर बच्चों बताओ, किसी ड्यू टू वांट ऑफ कोरम इफ द मीटिंग इज नॉट गेटिंग हेल्ड, तो क्या होगा? अगले हफ्ता इसी समय इसी जगह वो मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी, अगर आपके आपके आर्टिकल्स में कुछ अलग नहीं लिखा है। पर दोस्तों और एक चीज है, इस साल में 3 मीटिंग हुई, चौथी मीटिंग साल की कैलेंडर ईयर की आखिरी डे पे थी, एंड इट वाज नॉट हेल्ड ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। क्या करेंगे अब? अगला हफ्ता, यानी कि तो अगला साल आ जाएगा, तो फिर भी हम ऐसा मानेंगे वो इसी साल ही कंडक्ट हुई, कंपनी ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 175 रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यानी कि यहां पे आपको मीटिंग कंडक्ट नहीं करना, आपको यहां पे जो भी आपके डायरेक्टर से चाहिए उसको लेटर द्वारा भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी भेजेंगे, उसका रिप्लाई आएगा, और 10 अगर डायरेक्टर है, 6 लोग अगर हां कहते हैं, तो हम उसको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे। दोस्तों इसका यूज तब करते हैं जब मान लीजिए अभी एक बोर्ड मीटिंग हुई है, दूसरी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं, तो क्या करेंगे, अब ये रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन करवा देंगे, उनका उधर से रिप्लाई आएगा, अगर मेजॉरिटी लोगों ने हाँ लेटर द्वारा भी बोल दिया तो उसको रिजोल्यूशन मान लेंगे। इसके बारे में जो नोन है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, अगले बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में ऐड कर देंगे, सिंपल है बहुत। पर अगर इसमें लिखा 1/3 डायरेक्टर भी अगर बोलते कि 12 डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर जिद करते कि नहीं मीटिंग ही होना चाहिए, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा, उनको मीटिंग ही लेना पड़ेगी। दोस्तों 176 अपॉइंटमेंट के समय, मान लीजिए जिस बंदे का अपॉइंटमेंट अप्रैल में हुआ था, नवंबर में इट वाज आइडेंटिफाइड दैट पर्सन वाज नॉट क्वालिफाइड, ही वाज एब्सोल्युटली डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड। अब क्या होगा दोस्तों? अब एक बार आइडेंटिफाई नवंबर के बाद में वो आदमी जो भी काम करेगा इट विल बी इनवैलिड, पर अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो काम करेगा ना इट विल बी वैलिड। ओह माय गॉड, देखो एक पेज तो वो भी है, यू आर डूइंग इट सो फास्ट, कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स रॉक एवरीबॉडी, लेट्स रॉक, कम ऑन चेक इट आउट। सो वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट चार्ट, चार्ट नंबर 3.2। आप सभी जानते हो इसमें कितने सारी कमिटीज है, 3 कमिटी है, एक तो ऑडिट कमिटी, एक तो आपके पास में एनआरसी, एसआरसी। सर विजुअल क्या है? विजुअल इज द मैकेनिज्म। हमारे कंपनी में और एक कमिटी जिसका नाम है सीएसआर, वो 135, वो सीएस इसी इंटरमीडिएट में है। इसमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो डायरेक्टर कौन से होना चाहिए, कौन से डायरेक्टर अच्छा है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन से डायरेक्टर अच्छा नहीं काम कर उसको निकाल दो, उसका रेमुनरेशन क्या होना चाहिए, कौन डिसाइड करता है? एनआरसी। ऐसा कौन से लोग होते हैं जो 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 जो, 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 जो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला या डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं मिला, उनका दुख दर्द जाते कौन? डिबेंचर होल्डर कहां रहेंगे? कहां रहेंगे? स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। दोस्तों ऑडिट कमेटी करता क्या है? ऑडिट कमेटी और कुछ नहीं, देखो बच्चों हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए, ऑडिटर का स्कोप कौन डिसाइड करेगा? ऑडिट कमेटी। दोस्तों डायरेक्टर के फ्रॉड को ध्यान रखने के लिए, डायरेक्टर जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसीलिए दोस्तों ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी, कम ऑन, ऑडिट कमेटी करेगा क्या? ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, ऑडिटर विल बिकम अ वॉचडॉग, और ऑडिटर सारी बातों को देख के आता है और सारी बातें ऑडिट कमेटी तक पहुंचाता है, ऑडिट कमेटी विल टेक। देखो ऑडिट कमेटी जो बोलता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुनना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दोस्तों नहीं सुना तो उनको बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। आज के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूछने वाला कोई तो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों जो भी डायरेक्टर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेगा उनको लगता है कोई डाउटफुल है तो वो ऑडिट कमेटी उसका इंस्पेक्शन करा सकते हैं। ऑडिट कमेटी किसको एप्लीकेबल? एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी और एनआरसी सेम ही है। कौन से लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में 10, 50, 100, 10 करोड़ क्या पेड अप शेयर कैपिटल, 50 करोड़ बोरिंग, 100 करोड़ क्या टर्नओवर, तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होते हैं वहां पे आपको लग जाते हैं ऑडिट कमेटी और एनआरसी दोनों भी। अब याद रखना दोस्तों ऑडिट कमेटी
कमेटी में कम से कम तीन डायरेक्टर होना जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये चाहे कोई भी कमेटी, चाहे एनआरसी हो, चाहे एसआरसी ऑडिट कमेटी, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लोग इसमें डायरेक्टर होते हैं। अब बताना दोस्तों कितने डायरेक्टर, कम से कम तीन, पर उसमें से मेजॉरिटी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और दोस्तों याद रखिए, एवरी पर्सन हु इज गेटिंग अपॉइंटेड इन ऑडिट कमेटी शैल हैव नॉलेज ऑफ व्हाट कम ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। सर विजिल क्या होता है? विजिल दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर है, जो एम्प्लॉय हो, किसी और डायरेक्टर और एम्प्लॉय से त्रस्त है, उनको कुछ दर्द हो रहा है, वो अपना दर्द किसको बयां करेंगे? उनको रोना है, उनको रोना है, किसके साथ रोएंगे? वो रोएंगे विजिल के सामने दोस्तों, विजिल मैकेनिज्म के सामने रोएंगे वो। विजिल उनके दर्द को सॉल्व करे। विजिल के कौन होता है? विजिल के मैनेज कौन करता है? ऑडिट कमेटी के लोग ही विजिल को मैनेज करते हैं। पर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी ना और विजिल हो तो उसको मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। अरे विजिल किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑल द लिस्टेड कंपनी। दूसरी बात, पब्लिक से अगर आपने एक रुपए भी डिपॉजिट लिया होगा उसके लिए विजिल। तीसरी बात याद रखना, जिस कंपनी में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग से अगर 50 करोड़ से ज्यादा लिया होगा ना, आपको उस कंपनी में विजिल एप्लीकेबल होगा। दोस्तों मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अगर जो जैसे कि एग्जांपल, कोई जो बंदा होगा, अगर मान लीजिए कोई वहां पे दीपिका पादुकोण वहां पे जा रही है, रो रही और बोल रही कि मैं शक्ति कपूर से परेशान हूं, और बाद में शक्ति कपूर से बचाना, उसको सेफगार्ड करना, ये भी विजिल मैकेनिज्म के लोगों का काम है। क्योंकि यहां पे लोग एक डायरेक्टर आएगा रोते रोते तो दूसरे डायरेक्टर से उसको थ्रेट क्रिएट होगा, तो उसको सेफगार्ड करना भी विजिल का ही काम है। पर कुछ लोग क्या बोलते हैं, उसको छिछोड़े कंप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पनिशमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, एनआरसी का काम क्या होता है? एनआरसी का काम होता है मेनली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने डायरेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कौन से डायरेक्टर को निकाल देना चाहिए, हमारी कंपनी में जो डायरेक्टर आना चाहिए वो कौन सी क्वालिफिकेशन के आना चाहिए, उनके सैलरी कितना होना चाहिए, ऐसी रेम्यूनरेशन रखेंगे वो लोग ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए, सैलरी फिक्स कितनी होना चाहिए, बोनस कितना होना चाहिए, वेरिएबल कितना होना चाहिए, सारी बातें कौन डिसाइड करता है? एनआरसी। एनआरसी के लिए लोग कितने, एनआरसी में भी तीन लोग कम से कम होना चाहिए, वहां पे मेजोरिटी या आधा, आधा भी चलेगा और मेजोरिटी भी चलेगा, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इसके अंदर का हर कोई डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। और दोस्तों रिलायंस कंपनी के जो चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी कंपनी का भी चेयरपर्सन है और एनआरसी का भी चेयरपर्सन, ऐसा नहीं हुआ बिकॉज वो तो अपनी सैलरी कुछ भी निकालने लगेगा। उसके अंदर एसआरसी दोस्तों मैंने बोला ना, जिस कंपनी में शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, इनकी संख्या अगर 1000 है उससे ज्यादा होगी, वहां पे लगते हैं आपके कंपनी में एसआरसी, ये दुख दर्द सॉल्व करेंगे। अगर किसको डिबेंचर के वालों को तकलीफ है, इंटरेस्ट नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, ओह माय गॉड, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 181, 82 and 83। कम ऑन, आर यू रेडी गाइस? 181 गाइस, कम ऑन। ओहो, आपने चैरिटेबल ट्रस्ट कर सकते, कर सकते, चैरिटी में कितना भी पैसा दे सकते, नहीं अप टू 5% बीआरएनबीएम से काम चलेगा, उसके ऊपर देना तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा दोस्तों। पर जो पर्पस है ना वो मैलाफाइड नहीं, वो बोनाफाइड होना चाहिए, सही आपके उद्देश्य सही होना चाहिए। 182 की बात करते दोस्तों, तो कमान पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, एक कंपनी पॉलिटिकल में कंट्रीब्यूशन कर सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो भी पैसा देंगे उसके अंदर काउंट करना पड़ेगा, कितना दे सकती है, अनलिमिटेड दे सकती है, कौन दे सकता है, बीआरएनबी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे उतना पैसा, 100% प्रॉफिट पूरा के पूरा लगा देंगे किसमें, पॉलिटिकल में। पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया उसके बारे में लिखना जरूरी है, डिस्क्लोजर देना जरूरी है। इसके पहले मैंने आपको जो चैरिटेबल कहा था 3% 5%, किसका 5%? पिछले 3 साल के प्रॉफिट का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 5% तक आप जब देंगे तो बियॉन्ड बीएम से लगेगा, उसके ऊपर जाएं तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा। 183 की बात करते दोस्तों, डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड में, यानी कि भारत माता की जय, भारत माता की, अरे भारत माता की दोस्तों, अगर आपने ऐसे सोल्जर और ऐसे डिफेंस वालों के लिए अगर पैसा खर्च किया, उनकी वीडियो के लिए पैसा दिया दोस्तों, आप अनलिमिटेड, आपकी कंपनी कितना भी पैसा इन लोगों को दे सकती है, बिकॉज इनकी वजह से हम आज सुरक्षित है, हम सावधान है। तो दोस्तों इनको कितना भी दे सकते, ये पैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी देने का राइट है और शेयर होल्डर को भी देने का राइट है, पर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देने का राइट है। अगला सर, ओ माय गॉड, 179 and 180, व्हाट इज दैट गाइस, कम ऑन, 179 में लग गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में कौन से पावर है? 180 ने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर तो दिया है, पर कुछ पावर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेस्ट्रिक्शन लगाया। यहां पे लिखा रेस्ट्रिक्शन, यानी कि ये 180 में कुछ ऐसे काम लिखे जिसमें से बीआरएनबीएम पास करने से कुछ नहीं होगा, आपको ओआरबी पास करना पड़ेगा, सॉरी एसआरबी पास करना पड़ेगा। देखते पहले 179 को, आर यू रेडी गाइस, कम ऑन, अरे मेरे साथ बोलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दो, अरे लाइक नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा, लाइक नहीं करेंगे ना देखना पेपर में टेंशन आएगा।
तो दोस्तों 179 पावर ऑफ द बोर्ड गाइस, दोस्तों हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर किसी एक डायरेक्टर का नहीं है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बीआर पास करना पड़ेगा, वो भी बोर्ड मीटिंग में, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन सेक्शन 175 नहीं चलेगा आपके जनरल, आपके लिए वीडियो मीटिंग चल सकता है, आपके लिए फेस टू फेस मीटिंग चल सकता है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से काम नहीं चल सकते। क्या है इसका मेमोरी नहीं बताया, सीबीएसई का फालतू बच्चा लड़कियों पे बिल उड़ाता है, मम्मी डांटती है, ऑडिटर पीके बजाता है। सर क्या है सी मतलब क्या, अगर मान लीजिए कंपनी को कॉल बैक करना है वो भी बीआरएनबी में होगा, बायबैक करना है वो भी एस फॉर शेयर्स इशू करना है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना, सीबीएसई का फालतू बच्चा लड़कियों पे बिल उड़ाता, बी से बोरिंग, आई से इन्वेस्टमेंट, एल से लोन लेना, डी से डायरेक्ट डायवर्सिफिकेशन, ए से अमालगमेशन, टी से टर्नओवर, कम ऑन ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, के से केएमपी का अपॉइंटमेंट, और पी से पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारे काम करना है ना दोस्तों, इसके लिए आपको बीआरएनबीएम करना जरूरी है। और दोस्तों इसमें बीआईएल ये तीनों पॉइंट उसको डेलीगेट कर सकते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम एमडी को डेलीगेट कर सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ को डेलीगेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस के सीईओ को डेलीगेट कर सकते हैं, और साथ साथ में ऑडिट कमेटी के डायरेक्टर को भी डेलीगेट कर सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों, 180 में लिखा क्या है, 180 में ये चार ट्रांजैक्शन करने के लिए, चार ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको एसआर पास करना होगा भाई और बहनों। क्या लिखा है, पहली बात तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऐसी अंडरटेकिंग है जिसको हम लोग कहते हैं अंडरटेकिंग, जिसका अंडरटेकिंग मतलब कौन सी, अंडरटेकिंग को सेल कर दिया होगा, डिस्पोज कर दिया होगा, लीज पे दे दिया होगा, यानी कि दोस्तों रिलायंस कंपनी की बात करते हैं, रिलायंस कंपनी की बड़ी रिफाइनरी है जो जामनगर में फॉर एग्जांपल, जिसके से पूरे कंपनी का जो इनकम है, पूरा इनकम अगर 100 करोड़ है और वहां से 20 करोड़ से ज्यादा का इनकम आ रहा है, या रिलायंस की पूरी नेटवर्थ है 1,00,000 करोड़ की और वहां की नेटवर्थ है 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा, यानी कि 20% नेटवर्थ या 20% नेट इनकम पूरे कंपनी के, दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग अंडरटेकिंग। ऐसे अंडरटेकिंग को अगर आपने बेचा होगा या फिर सेल का, तो उसके लिए आपको एसआर की परमिशन लगी। इतना ही नहीं, ऐसे बड़े अंडरटेकिंग का भी 20% अगर आने की वो जामनगर वाली पूरी जो है उसको नहीं बेचा, पर उसका 20% भी अगर बेचा होगा उसमें भी आपको एसआर लगेगा, क्योंकि बड़ी चीज है, बड़ी चीजें बेचना ये बीआरएनबीएम से नहीं होगा, ऐसी बड़ी चीज के लिए आपको बीआरएनबीएम के साथ में एसआर भी लगेगा। दोस्तों दूसरी बात, अगर आपने डायरेक्टर का लोन माफ कर दिया, डायरेक्टर का ड्यू डेट एक्सटेंशन किया, उसके लिए भी आपको एसआर लगेगा। तीसरी बात दोस्तों, मर्जर एक्विजिशन का जो पैसा है आपने उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाना चाहिए, यानी मर्जर एक्विजिशन से जो पैसा है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाया तो एसआर की परमिशन नहीं, पर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को छोड़कर आपने उसको किसी और जगह पर लगा दिया, उसके लिए एसआर लगेगा। और लास्ट पॉइंट, प्रेजेंट बोरिंग प्लस प्रपोज बोरिंग शुड नॉट बी मोर देन एफआर एस एंड पेड ऑफ शेयर कैपिटल, उससे ज्यादा जा रहा होगा तो ऐसा लगेगा, उससे कम होगा तो बीआरएनबीएम में काम हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ ही होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसमें टेंपरेरी लोन इंक्लूड मत करना, याद रखियो, आगे बात करेंगे। ओके कम ऑन गाइस, 184 की बात करेंगे, डिस्क्लोजर। अरे मैंने कहा था ना आपके इंटरेस्टेड, 184 इज ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स, 184 1 184 2। 84.1 क्या है, जनरल डिस्क्लोजर, 84.2 क्या है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। 84.1 में लिख दिया था दोस्तों, आज अपॉइंटमेंट, अपॉइंट होने के बाद में 30 दिनों के अंदर आपने कंपनी को बोल देना चाहिए कि आखिर कौन से प्राइवेट, कौन से पब्लिक, कौन से एचएफ और कौन से पार्टनरशिप फर्म में मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सो द कंपनी विल अवेयर कि नेक्स्ट टाइम जब भी इनका ट्रांजैक्शन ऐसे इन फलाना फलाना कंपनी से होंगे, दे विल बी सावर, दे विल बी सावधान। ओके दोस्तों, 184.2 क्या है, आज के इस मीटिंग में जो एजेंडा दिया है उस एजेंडा में आइटम नंबर 6 में, आइटम नंबर 8 में ऐसा डायरेक्टर बोलेगा, मेरा जो जिन लोगों के साथ में ट्रांजैक्शन होने वाला है उसके साथ में मेरे संबंध है, तो मैं ऐसे मीटिंग में नहीं बैठूंगा, मुझे कोरम में काउंट नहीं करना, बिकॉज मैं कोरम में आ जाऊंगा, मैं मीटिंग में बैठूंगा तो मैं बायस बोलूंगा, इसीलिए 184.2 ये बार बार आता है, जब भी मीटिंग है तो 184.2 सबमिट होगा। 184.1 में क्या लिखा है, आपको दोस्तों आपको समझना चाहिए, 84.1 इज अ जनरल डिस्क्लोजर, आप चाहे वो रिलायंस कंपनी, जैसे मुकेश अंबानी 184.1 देगा तो क्या लिखेगा, मेरे इन कंपनी में ट्रांजैक्शन, इन कंपनी मेरे संबंध है, हालांकि रिलायंस कंपनी उन कंपनी के साथ में ट्रांजैक्शन करे ना करे 184.1 में देना पड़ेगा। 184.2 में हम लोग वही देते हैं जिनके साथ में आज के मीटिंग में ट्रांजैक्शन होने वाला, मैं उसमें संबंध रखता हूं। दोस्तों आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, 184.2 में कब कहेंगे आपके संबंध है, अगर मान लो उधर के, जैसे कि एग्जांपल मुकेश अंबानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है,
किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर तो बोलेगा मेरे इससे कनेक्शन है, कोई भी एचयूएफ है उसमें अगर मेंबर है तो वो बोल देगा भाई मैं उससे संपर्क में हूं, मेरी वो इंटरेस्टेड पार्टी है। या फिर मान लीजिए कोई भी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड में मुकेश अंबानी या मुकेश अंबानी के साथ के दूसरे डायरेक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने रिलेटिव्स के साथ में 2% से ज्यादा अगर उधर होल्ड कर रहे होंगे तो कह देगा भाई मैं इंटरेस्टेड हूं। या फिर मान लो 2% से ज्यादा नहीं दोस्तों, उधर दूसरी कंपनी में प्रमोटर है, दूसरी कंपनी में मैनेजर है तो कह देगा भाई मैं उधर इंटरेस्टेड हूं। अगर आज के मीटिंग में इनमें से किसी में ट्रांजैक्शन हुआ तो वो मीटिंग में बैठेगा नहीं, और अगर वो मीटिंग में बैठा तो उसको फाइन तो लगेगा ही और ट्रांजैक्शन भी वॉइडेबल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 188 के, अरे कितना बड़ा सेक्शन है 188 सेक्शन इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, वन इज रिलेटेड पार्टी, वन इज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कौन से भाई, सात ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन सेल एंड उसमें लीज भी लिखा है ऑफ एक्चुअली, क्या लिखा है मूवेबल गुड्स एंड यहां पे लिखा है यानी कि इनडायरेक्टली वो मूवेबल की बात करते हैं। और दूसरा ट्रांजैक्शन कौन होता है, वापस सेल्स एंड डिस्पोजल जो लीज लिखा है वो प्रॉपर्टी लिखा है वो एक्चुअल में इमूवेबल होता है। तीसरी बात कौन सी, सर्विसेज प्रोवाइड करना। चौथी बात कौन सी लिखी, लीज पे देना। पांचवी बात एजेंट बना देना। और सिक्स बात कौन सी लिखी, प्लेस ऑफ प्रॉफिट। और सातवीं बात कौन सी लिखी मालूम क्या, सातवीं बात कौन सी लिखी, प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं आपकी बात तो लिख दिया अंडरराइटिंग कमीशन। ये सात ट्रांजैक्शन अगर रिलेटेड, ये जो इतने देख देखो यहां पे स्क्रीन पे, ये इन रिलेटेड पार्टीज के, आप सभी ने इसको पढ़ा होगा अच्छे से पढ़ना बिकॉज़ ये रिवीजन चल रहा है। ये सात ट्रांजैक्शन, ये जो मैंने अभी पढ़ा देखो, मैंने ये सात ट्रांजैक्शन जो यहां पे पढ़ा अगर वो इन रिलेटेड पार्टीज के साथ में हुआ तो सेक्शन 188 will be applicable। अगर दोस्तों ये सात ट्रांजैक्शन हुए और अन्य लोगों के साथ में हो रहा है 188 will not be applicable। दोस्तों और बात रखना, इन लोगों के साथ में अगर आपने ordinary course of business में कोई ट्रांजैक्शन किया होगा और आम लेंथ प्राइस दिया होगा तो उस केस में दोस्तों 188 will not be applicable। दोस्तों याद रखना, रिलायंस कंपनी का जियो का सिम कार्ड मुकेश अंबानी को दिया गया, वैसे आप कहेंगे तो आरपीटी नहीं बच्चों, अगर आम लेंथ प्राइस चार्ज की होगी, उतना ही सिम कार्ड का पैसा लिया मुकेश जी से जितना आम साधारण व्यक्ति से लिया जाता है, हम लोग कहेंगे आम लेंथ प्राइस है, उस केस को 188 का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों 188 का जो अगर मान लो ये रिलेटेड पार्टीज है और ये सात ट्रांजैक्शन आ गए तो आपको 188 विल बी एप्लीकेबल, जिसमें लिखा है जिसमें कुछ कर, अगर एक सर्टन एक्सटेंट तक गया तो BRNBM उसके ऊपर का तो BRNBM तो लगेगा ही, आपको OR भी लगेगा। भाई और बहनों मुझे आपसे बात करना है, ध्यान से सुनना, यहां पे लिखा है अगर मान लो 10% turnover, अरे क्या लिख रहा है, तीन बार turnover है, कौन से turnover, अगर movable का turnover, अगर वो lease पे दिया तो 10% turnover, या फिर अगर वो services provide करने वाली कंपनी तो 10% turnover, पर अगर वो property यानी कि immovable की बात करते उसको 10% of net worth, ये क्या बोल रहे सर, पूरे कंपनी का turnover 100 करोड़ है और आपका जो सेल हो रहा है वो 11 करोड़ का हो रहा है, यानी कि कंपनी के टर्नओवर के 10% से ऊपर हो रहा है, यहां पे BRNBM तो लगेगा ही, OR भी लगेगा। इस तरह से आपको समझना है, इसकी इन लिमिट के अंदर रहा तो BRNBM से का, उसके ऊपर BRNBM तो लगेगा OR भी लगेगा, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन बहुत बड़े नेचर का हो जाएगा। और दोस्तों यानी कि मुकेश अंबानी ने क्या किया, अपने ही बेटे को अंडररराइटर कमीशन बना दिया, और हालांकि वैसे भी शेयर बिकने वाले थे पर उसको बोला नहीं मेरे बेटे के वैसे शेयर बिके, और उसको 1% कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ है और उसको 1 करोड़ तक के पैसे दे रहे तो BRNBM से लगा, उसके ऊपर देना है तो उसको OR भी पास करना पड़ेगा। और दोस्तों एक डायरेक्टर था, वो डॉक्टर था, वो डायरेक्टर भी था, हॉस्पिटल में डायरेक्टर का पैसा अलग मिलता था, डायरेक्टर का एज अ डायरेक्टर 197 में जो पैसा मिलता है उसके लिए 188 लगेगा, पर उसको प्लेस ऑफ प्रॉफिट वो बोलता है मैं डॉक्टर भी और मुझे सर्जरी का भी पैसा चाहिए, ऐसे समय पे 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिला ना तो उसको BRNBM और उसके ऊपर गया तो उसको OR भी लगेगा। तो ये समझ नहीं सी, और अगर मान ली BRNBM और OR में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की ना तो ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल हो जाएगा, और अगर गलती से इसका फायदा किसी डायरेक्टर को हुआ होगा तो उसको इंडेमनिफाई करके देना पड़ेगा। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, एक काम है ओमनीबस अप्रूवल, एक काम है 177 में ऑडिट कमेटी, अगर जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा BRNBM के साथ में ऑडिट कमेटी का अप्रूवल जरूर लगेगा, और ऑडिट कमेटी हर ट्रांजैक्शन में लगेगा। दोस्तों इसका मतलब 1 रुपए का ट्रांजैक्शन से लेके उस लिमिट तक कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा होगा या लिमिट के ऊपर भी कर रहा होगा तो BRNBM तो ऑडिट कमेटी लगेगा, पर लिमिट के ऊपर गया तो आपको BRNBM भी लगता है, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल भी लगता है, और साथ साथ में आपको OR भी लगता है। सर ऑडिट कमेटी हर बार आएगी, हर बार ट्रांजैक्शन करते हो, नहीं, ऑडिट कमेटी बोलेगी मैं आपको कहता हूं आज हमने सब कुछ पढ़ लिया, इतने अमाउंट तक इतने ट्रांजैक्शन होने तक आपको अलग से, अब हम बार बार आके अप्रूवल नहीं देंगे, उसको कहते हैं हम लोग ओमनीबस अप्रूवल देंगे, ताकि बार बार ऑडिट कमेटी, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो रोज आते हैं पर
ऑडिट कमेटी रोज क्यों आएंगे? तो इसलिए ऑडिट कमेटी का तकलीफ बचाने के लिए ओमनीबस अप्रूवल था कि एक बार में ही सबको एक बार आ बोल दिया उन्होंने, एक अमाउंट डिसाइड कर दिया, तो उस लिमिट तक वापस जाने तक वापस से ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये सब कुछ मैंने समझाया, ये रिविजन चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप भी थोड़ा सा पढ़कर आए और एक आध दो चीजें बीच में छूट सकती है, ऐसा मत कैसे छूट गया भाई, रिविजन चल रहा है, मजाक है क्या? 187 की बात करते हैं, कंपनी का हर असर कंपनी के नाम पे होना चाहिए दोस्तों, पर कभी कभी ऐसे कुछ इंसिडेंट हो सकते हैं जहां पे कंपनी का असेट किसी और के नाम पे होता है वो भी चलता है। अगर मान लीजिए कंपनी ने बैंक के नाम पे कुछ शेयर्स किए होंगे ताकि वो डिविडेंड कलेक्ट कर सके, अलाउड है। कभी-कभी कंपनी ने अपने शेयर्स किसी या अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे की होगी, किसी बैंक के नाम पे, ताकि वो लोन ले सके, मॉर्गेज, वो अलाउड है। कभी कभी हो सकता है अपने कंपनी के शेयर्स एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड नहीं बेच पा रहा है, एसबीआई बोलता मैं तुम्हारे शेयर्स बेच के दूंगा आप मेरे नाम पे कर दो, तो 6 महीने के लिए मैक्सिमम वो प्राइवेट कंपनी एसबीआई के नाम पे शेयर रखेंगे तो अलाउड है। और लास्ट में लिखा दोस्तों पूरे दुनिया का यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि दे आर द रजिस्टर्ड ओनर एंड दे आर द बेनिफिशियल ओनर, दे आर नॉट द रजिस्टर्ड ओनर, यानी कि एक कंपनी के शेयर्स उसके नाम पे नहीं होते, वो एनएसडीएल के नाम पे होते हैं। तो लॉ में क्या लिख रहा है, अपनी अपने अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होना चाहिए, पर ऐसा हकीकत में एनएससीबीएसई में होता ही नहीं, वी आर जस्ट द बीओ, वी आर नॉट द आरओ। तो दोस्तों ये भी, और एक पांचवी कंडीशन है, कभी-कभी एक कंपनी जैसे होल्डिंग कंपनी है वो उसकी होली ओन सब्सिडरी कोई है तो उसका उस होली ओन सब्सिडरी का वो अकेला ही शेयरहोल्डर हो जाएगा, पर होली ओन सब्सिडरी को तो साथ होना चाहिए, कम से कम 7 शेयर्स लगेंगे, इसे 7 की पूर्तता करने के लिए वहां पे अलग से 6 और शेयरहोल्डर डालना पड़ते हैं। हालांकि होल्डिंग कंपनी अकेले ही उसका ओनर है पर 6 जबरदस्ती दूसरे लोगों को भी घुसेड़ता है, हालांकि वो ओनर नहीं है, पर ये अलाउड है बिकॉज स्टैट्यूटरी लिमिट को कंप्लीट करना है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आपके साथ में 189 की, 189 इज द मैशअप ऑफ सेक्शन नंबर 184 एंड 188 दोस्तों 184 में जो आपने जो ट्रांजैक्शंस की है हर बार, हाँ आज की मीटिंग में मेरे ये ट्रांजैक्शन है उसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, वो सारा डेटा 189 में मेंटेन हो, इसको बोलते हैं MBP4। और 188 में पूरे साल भर में जितने आरपीटी हुए उसका डेटा भी 189 में स्टोर होना चाहिए। MB 189 कहता है MB4 में 184.2 का, 188 का, और साथ साथ में 184.1 में जो जनरल डिस्क्लोजर दिए उसका भी डेटा पूरा मेंटेन होना चाहिए, कंटिन्यूअसली इसको अपडेट करना चाहिए, ये CS के कस्टडी में होना चाहिए। और एक बार जब एंट्री हो गई CS ने ऑथेंटिक किया तो अगली बार जब बोर्ड मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सभी ने इसको अप्रूव करना चाहिए, इट शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू ऑल द मेंबर्स, जनरल मीटिंग में तो उसको लेकर ही आना चाहिए सब लोग उसको देख सके, इसीलिए ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते दोस्तों, अरे लोन भाई डायरेक्टर को लोन नहीं देना, डायरेक्टर को लोन देना अलाउड नहीं, ऐसा लिखा है, डायरेक्टर के रिश्तेदार को अलाउड नहीं, पार्टनरशिप फर्म डायरेक्टर जिसमें पार्टनर है ऐसी पार्टनरशिप फर्म को नहीं, और डायरेक्टर जिस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को भी देना अलाउड नहीं, ऐसी कोई भी जगह पर आपको लोन देना अलाउड नहीं, यानी कि अर्थात डायरेक्टर को लोन दो ही मत, उसके रिलेटिव को लोन मत, डायरेक्ट नहीं है अगला बात ही नहीं, पर आप दे सकते हो अगर डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर जिस बॉडी कॉर्पोरेट में है, यहां पे लिखा है देखो इनको अलाउड नहीं, वो अगर आपको देना ही है, अगर आपको देना ही है तो वो दे सकते हैं, अगर आपने क्या पास किया हो, आपने यहां पे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं क्या करना है, यहां पे देखो यहां पे अलाउड ही नहीं है, पर ऐसा कभी कभी दे सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कब दे सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं पर ऐसा कोई लिखा है एनी फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर, ये तो अलाउड हो गए, ये डायरेक्टर कंपनी विच सॉरी ये है गिविंग लोन टू MDWT, हाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ केसेस है बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दिया, यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर देना है तो अलाउड ही नहीं, पर बॉडी कॉर्पोरेट को देना है, डायरेक्टर को खुद को नहीं मिल रहा, बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, वो मैं कंडीशन दिखाऊंगा आप सभी को मालूम भी होगा, उनको देना अलाउड है, पर वो देना भी कब अलाउड है, अगर SR पास हुआ, क्या पास हुआ, SR, क्या पास हुआ, SR, आई थिंक 25% कुछ तो लिखा है, SR पास होना चाहिए। और दूसरी बात जो पैसा उनको दे, देखो ये पार्टनरशिप हमको अलाउड नहीं, पार्टनरशिप हमके पार्टनर को अलाउड नहीं, डायरेक्टर को अलाउड नहीं, और डायरेक्टर के रिश्तेदार को, पर उसके अलावा कुछ है बॉडी कॉर्पोरेट उनको अलाउड है, मैं बताऊंगा आपको, उनको अलाउड है पर वो अलाउड कब करके, SR पास होना चाहिए, और साथ साथ में जो पैसा दिया है ना इट शुड बी यूज्ड फॉर
The principal business, principal जो business का object है उसके लिए use होना चाहिए, ऐसा लिखा है यहाँ पे। और कुछ cases exception है, अगर director ने अगर अपने salary के against में कुछ loan निकाला होगा वो allowed है। वैसे तो अब ये कह रहा है कि loan देना allowed नहीं है, पर वो salary के against में 6 महीने तक का allowed होता है। दूसरी बात, कभी कभी special cases में special resolution pass करके हम director MD को loan दे सकते हैं, special resolution pass होना चाहिए। साथ साथ में जब भी loan देंगे just make sure government का जो interest rate होता है ना वो interest rate यहाँ पे उनको applicable हो जाना चाहिए, ऐसा लिखा है यहाँ पे। उसके बाद में इन्होंने सी और डी जरा बहुत अजीब सा लिखा है, वो मैं को एक्चुअल में होना नहीं चाहिए पर पता नहीं लॉ मेकर से कुछ गलती हुई है। उसने क्या बोला है कि होल्डिंग कंपनी अपने होली ओन सब्सिडरी को लोन नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे सकता, सिक्योरिटी नहीं दे सकता, एलजीएस कुछ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अगर आप कहेंगे तो लोन तो डायरेक्टर लिखा है, वो तो होली ओन सब्सिडरी, वो बोल रहा है अगर दोनों का डायरेक्टर कॉमन होगा, यानी होल्डिंग का डायरेक्टर होली ओन का डायरेक्टर कॉमन है, उस केस में होली ओन्ड कंपनी अपने होली ओन्ड सब्सिडरी को, होल्डिंग कंपनी अपने होली ओन्ड सब्सिडरी को ना लोन दे सकता है, ना गारंटी, ना सिक्योरिटी अगर कॉमन डायरेक्टर है। अगर कॉमन डायरेक्टर कंडीशन नहीं होती ना तो सेक्शन 186 एप्लीकेबल हो जाता है, फिर वहां पे देना अलाउड है। उसके बाद में डी में ही लिखा है अगर एक होल्डिंग कंपनी उसकी होली ओन्ड नहीं नॉर्मल सब्सिडरी है उसको जी और एस दे सकते नहीं दे सकते है, अगर 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 बोलो क्या होगा अगर दोनों के डायरेक्टर कॉमन है, लिखा ना एनी गारंटी गिवन सिक्योर प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स ओके। आई होप इट इज डन, दिस सेक्शन इज ओवर, 185 इज ओवर, ये मैंने सब कुछ सही बोला, आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज द लास्ट, ओ हो गया, कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, वेलकम बैक सेक्शन नंबर 190। दोस्तों जब भी कोई एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन होना जरूरी है। एमडी डब्ल्यूटीडी भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं, उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा या फिर उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं एमओयू तो साइन होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और एमओयू हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्टर्ड ऑफिस पे होना चाहिए, हमारे मेंबर को ओपन फॉर इंस्पेक्शन होना चाहिए। और दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड को एप्लीकेबल नहीं है, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। अगली बात करेंगे दोस्तों 191 की, 190 और 202 में कुछ कनेक्शन है। 202 में जो लॉस ऑफ ऑफिस है वो ऐसा होता है कि एक बंदे को हमने निकाल दिया उसके बदले में, एक्स को निकाल दिया उसके बदले में वाई को लाया, तो बस उसको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, तो वहां पे लिखा है मैक्सिमम 3 इयर्स एंड ऑल दैट। पर अगर मैं 191 की बात करता हूं दोस्तों, यहां पे जो लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है उसमें स्पेसिफिक केस से कि आपके साथ में टॉप या टॉस हुआ है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हुआ है, उस केसेस में अगर एक जो ट्रांसफरर कंपनी के डायरेक्टर्स की जॉब चली जाती है तो उस केस में उसको जो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए ना, वो कॉम्पेंसेशन कब मिलता है, कितना मिलता है, कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, उसके लिए ओआर पास होना चाहिए। और साथ साथ में यहां पे ये भी लिखा है ओआर तो पास होना ही चाहिए, दिस इज नो डाउट, ओआर तो पास होना ही चाहिए, ओआर तो पास होना ही चाहिए, दिस इज नो डाउट, ओआर तो पास होना ही चाहिए। यानी कि हो सकता है रिलायंस कंपनी ने आइडिया को जब एक्वायर किया होगा, करेगा फ्यूचर में एक्वायर करेगा, तो आइडिया के बहुत सारे एमडी डब्ल्यूटीडी की जॉब चले जाएगी, तो एमडी डब्ल्यूटीडी को कॉम्पेंसेशन रिलायंस कंपनी दे सकती है, पर वो रिलायंस कंपनी का ऐसा तो नहीं उनको कॉम्पेंसेशन कुछ जरूरत से 202 सेक्शन से ज्यादा दे रहा है। क्यों दे रहा है मालूम है, क्योंकि हो सकता है आइडिया कंपनी के एमडीडब्ल्यूटीडी ने रिलायंस को सस्ते में बेच दिया होगा, जिसका परिणाम जिसका लॉस किसको हुआ, शेयर होल्डर को, इसलिए ये बहुत सेंसिटिव बनता है। इसलिए लिख दिया 202 सेक्शन के ऊपर उनको लॉस, 202 सेक्शन के ऊपर उनको कॉम्पेंसेशन नहीं देना, और जब भी देना है तो ओआर पास करना, और ओआर पास करते समय पूरा डेटा शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि आखिर इसको कॉम्पेंसेशन क्यों दिया जा रहा है, आखिर कितना दिया जा रहा है, कैलकुलेशन क्या है, सारी चीजें याद रखना। 191 में एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को जो कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है वो 202 का उल्लंघन नहीं हो सकता, कितना भी चाहे तो ट्रांसफर कंपनी के एमडी डब्ल्यूटीडी को मन चाहे उतना नहीं दे सकते 202 का, और वो भी ओआर पास करना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी 191 में। 192 की बात करते हैं दोस्तों, एक कंपनी अपने ही डायरेक्टर के साथ में जो ट्रांजैक्शन करती है ना उसके लिए 188 एप्लीकेबल होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। पर दोस्तों अब की बार यहां पे लिखा है कि जब आपका रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है पर आपका कैश नहीं नॉन कैश बार्टर हो रहा है ना, उस केस में 188 नहीं 192 का सेक्शन एप्लीकेबल होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं, एक बात आप समझने की कोशिश करेगा, यानी कि कंपनी ने डायरेक्टर को घर दिया, बदले में उससे गाड़ी ली। अब दोस्तों क्या पता होगा कि घर कितने का और गाड़ी कितने की, इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन सेंसिटिव बनते हैं। अक्सर डायरेक्टर क्या करते हैं, 5 करोड़ का घर लेते हैं, 50 लाख की गाड़ी देते हैं और बोलते हैं कि अब ये पूरा इक्वल ट्रांजैक्शन हो। अक्सर क्या होता है ना, बार्टर में जरूरी नहीं कि जितने की वैल्यू की गुड्स दिए बदले में डायरेक्टर से उतने मिले, इसलिए अगर कंपनी ने
कंपनी ने कंपनी के डायरेक्टर्स को या फिर होल्डिंग के डायरेक्टर्स को या फिर सब्सिडरी के डायरेक्टर को या एसोसिएट के डायरेक्टर को अगर कभी भी इस तरह का बार्टर किया हुआ या फिर उल्टा उनसे लिया होगा, दिया होगा या लिया होगा, वो भी केस में नॉन कैश में, ऐसे समय पे आपको याद रखना होगा यहां पे BRNBM से काम नहीं चलेगा। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ही है, और वो कैश वाला होता ना, तो हम BRNBM करते और लिमिट के ऊपर जाके उसको ओआर पास करते। यहां पे क्या बोल रहा है, अगर वो एक रुपए का भी ट्रांजैक्शन हो, बाटर हो ना, आपको यहां पे रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, साथ साथ में रजिस्टर्ड वैल्यूअर से सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि शेयरहोल्डर बोलेगा भाई ये जो हुआ है हम लोग अप्रूवल दे कैसे, हमें पता तो होना चाहिए रजिस्टर वैल्यू का, बोलना क्या है गाड़ी कितने की, घर कितने की, इसलिए रजिस्टर वैल्यू का भी यहां पे होना जरूरी है। आई होप इट इज। और अगर ऐसा हुआ होगा, अगर मान लीजिए ओआर पास नहीं हुआ और फिर भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया, उस केस में वॉइडेबल ट्रांजेक्शन होगा, और वॉइडेबल होगा उस केस में क्या होगा मालूम, अगर मान लो कभी भी ऐसे केस हो जाते कुछ केसेस में कि अब हमने घर लिया डायरेक्टर से, उनको गाड़ी दे दी, उस डायरेक्टर ने भी गाड़ी बेच दी, अब वो रिवोकेबल यानी कि वो वापस अंडू नहीं हो सकता वो ट्रांजैक्शन, उस केस में क्या करना पड़ेगा, अब देखेंगे, हो सकता है घर 5 करोड़ का हो, गाड़ी 4 करोड़ की, व्हाटएवर, वो जितना गैप हो, जो अमाउंट अगर डायरेक्टर भरने को रेडी होगा, तो फिर ये वॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन रिवोक नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर डायरेक्टर ये प्रूव कर दे कि मैंने जो दिया था घर और ये जो गाड़ी है उसकी वैल्यू मैच करो, भले ही ओआर पास नहीं पर मैच कर लो, ये बिल्कुल सही हुआ है और आई वॉज नॉट अवेयर की ओआर पास करना पड़ता है, उस केस में भी ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल नहीं होता। 193 का एक स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर मान लो मोदी लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसमें मोदी लिमिटेड, मोदी जी उसमें वन ऑफ द शेयरहोल्डर भी है और वो डायरेक्टर भी है, अब दोस्तों उस केस में उस कंपनी में अमित शाह और पीयूष गोयल भी, वहां पे कौन है, अमित शाह और पीयूष गोयल भी वहां पे डायरेक्टर है, ओपीसी का ओनर कौन है, मोदी जी, उसके डायरेक्टर में मोदी जी भी है, अमित शाह भी है, पीयूष गोयल भी। अब आपकी बार ऐसा हुआ कि मोदी लिमिटेड मोदी नरेंद्र मोदी जी से ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो कंपनी का मेंबर भी और डायरेक्टर भी। दोस्तों इस ट्रांजैक्शन को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, आई नो इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, पर इट इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। अगर मान लो मोदी एज अ डायरेक्टर ने अपना फायदा करवा के लिया भी होगा, तो मोदी एज अ मेंबर नुकसान होगा, इसलिए ओपीसी में अगर डायरेक्टर, हाँ अगर ये ट्रांजैक्शन अमित शाह के साथ में हो रहा होगा, पीयूष गोयल के साथ में हो रहा, वो तो शेयरहोल्डर नहीं है, वो एज अ डायरेक्टर बहुत कुछ मिसयूज कर सकते हैं, ऐसे समय पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188 विल बी एप्लीकेबल। पर यहां पे ऐसे व्यक्ति के साथ में ट्रांजैक्शन जो मेंबर भी है, तो वो अपने साथ में क्यों फ्रॉड करेगा, इसलिए उसको तकलीफ नहीं दे रहा, उसको बोल रहे काम करो तूने जो भी ट्रांजैक्शन किया ना भाई एक काम कर, इसको एक रिटर्न में लिख दे, या फिर तू एक काम कर दे MOU बना ले, या फिर एक काम कर दे भाई तू एक काम कर मिनट्स में लिख दे, तीनों में से कहीं तू कुछ कर दे, और जो तूने किया है ना ट्रांजैक्शन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तेरे कंपनी में तो अकेला है तो तुमने क्या करना चाहिए, वो रिजोल्यूशन सिर्फ तो रिकॉर्ड करना चाहिए, या फिर तेरे कंपनी में एक सारा डायरेक्टर होंगे तो तुम क्या करो एक रिजोल्यूशन पास करो, और जिस दिन रिजोल्यूशन तुमने पास किया है 15 डेज के अंदर तुम आरओसी में अपलोड करवा दो, कोई बात ही नहीं है, इसमें खत्म हो गया ट्रांजेक्शन, इसमें आपका BRNBM और लिमिट के ऊपर तो ओआर नहीं लगता, बिकॉज ये कंपनी का मालिक है और वही खुद के साथ ट्रांजेक्शन करता है, उसको दर्द नहीं है, वो सिर्फ मिनट्स में रिकॉर्ड होता है, ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, और आरओसी में सिर्फ अपडेशन होता है और कुछ नहीं होता। और लास्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, दिस इज द लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 186, दैट इज व्हाट, कम ऑन गाइस, हाँ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करती है, आजकल कंपनी के पास बहुत सारा एक्सेस पैसा होता है, वो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट करते समय याद रखे, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते 186(1) में लिखा है, ए कंपनी बी में पैसा लगा सकती है, बी कंपनी सी में लगा सकती है, पर सी डी में नहीं, दो ही लेयर हो सकते हैं। पर अगर मान लीजिए सी कंपनी डी में लगा रही है, वो तब भी अलाउड होगा अगर डी कंपनी की होली ओन सब्सिडियरी है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर यह भी लिखा है, ये समझने की बात यहां पर है, अगर ए कंपनी ने बी को एक्वायर किया और बी कंपनी फॉरेन कंपनी, वहां पे उसके सीरीज ऑफ चेन्स में उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहां पे दो से ज्यादा लेयर में भी इन्वेस्टमेंट और फिर भी अलाउड है, बिकॉज उस कंट्री में अलाउड है। और साथ में एक बात याद रखना, जब भी ये 186 बनाया था, आपके जितने भी लेयर्स है 1, 2, 3, 4, 5, तो आपने आरओसी को इन्फॉर्म करना चाहिए। साथ साथ में अगर आपने 5 लेयर्स आपके अलाउड नहीं, पर आपके जिस दिन लॉ आया था उस दिन तक आपने आरओसी को इन्फॉर्म करना चाहिए। 5 से अगर आपने 4 कर दियो, तो 4 से 5 नहीं कर सकते, आप 4 ही करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? ओके, अगला सवाल आपके सामने 186(2) से, आपको याद होगा 60% ऑफ FR प्लस SP प्लस पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर 100% ऑफ FR and SP, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होना उतना ही LGS, ये चारों का मिला के एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, उससे ज्यादा ही इन्वेस्ट करना है ना, तो उनको पास करना पड़ेगा SR, यानी कि ये 60 और 100 का जो विचार हायर आएगा
उस लिमिट तक अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ऐसा नहीं, उसके लिमिट तक आपको यूबीआर यानी कि यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर, उसके ऊपर आपको यूबीआर तो पास करना पड़ेगा, आपको एसआरबी पास करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और वो नहीं किया तो ट्रांजेक्शन वॉइडेबल हो जाएगा, ये बात है। और जब भी आप ऐसा करोगे जस्ट मेक श्योर आपने इंटरेस्टेड गवर्नमेंट से जो एक साल तीन साल पांच साल दस साल के जो बॉन्ड थे वैसे लगाना चाहिए। पर एक सेक्शन एट कंपनी में अगर 26% से ज्यादा अगर पैसा अगर गवर्नमेंट ने दिया हुआ है और वो पैसा रिसर्च डेवलपमेंट की किसी काम के लिए यूज कर रही सेक्शन एट कंपनी, तो उसके लिए इंटरेस्टेड ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये जितना भी पैसा एक कंपनी दूसरे कंपनी देती है ना, उसके एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, इसका नाम है एमबीपी 2। जब भी ट्रांजैक्शन हुआ तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, 7 दिन के अंदर अपडेट हो जाना चाहिए सीएस के कस्टडी में। जब जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ, चाहे वो लोन का हो, गारंटी का, सिक्योरिटी पूरा मिला के जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो आपने वहां पे एंटर कर देना चाहिए। उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ है कुछ जिन लोगों का धंधा ही है, जैसे बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, जिनका धंधा ही है, जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट का होता है, तो ऐसे लोगों को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अगर वो हर बार बोलेंगे जब भी इन्वेस्टमेंट करना है यूबीआर पास करो, दैट वोंट बी पॉसिबल। कम ऑन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग। और दूसरा, ये एमबीपी 2 जो है ना, हमारी कंपनी कौन सी कंपनी को एल दिया है, जी दिया है, एस दिया है, आई दिया है, ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन होना चाहिए। हमारे मेंबर उसको जब चाहे तब देख सकते, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते, फोटो कॉपी भी निकाल सकते, ये भी अलाउ कराया है। आई थिंक दिस इज ओवर गाइस, दिस इज ऑल्सो। तो एक बार दोस्तों सारे सेक्शन नंबर को रिवाइज करते हैं। 173 आप सभी जानते हैं, हम लोग यहां पे बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं, 174 हम लोग नोटिस की बात करते हैं, 174 कोरम की आते हैं, 175 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, 176 दोस्तों अपॉइंटमेंट में अगर वैलिड डिस्क्वालीफाइड होगा तो उसने किए हुए काम सारे वैलिड मानते हैं, नोटिस के बाद में क्या तो डिस्क्वालीफाइड यानी कि इनवैलिड मानते हैं। 177 में कमिटीज है, ऑडिट कमिटी विजिल, 178 में एनआरसी एसआरसी, 179 पावर ऑफ द बोर्ड, 180 रेस्ट्रिक्शन to the power of the board, 181 donation to charitable, 182 donation to political parties, 183 donation to national defense fund, 184 हमने जो दिया था disclosure of interest, 185 loan to directors, 186 loan to others, 187 एक कंपनी अपना पैसा सिर्फ अपने नाम पे इन्वेस्ट कर सकती है, 188 RPT, 189 register, MBP 4 maintain होना चाहिए, 190 contract with MDWTD, 191 loss of office due to TOP, TOS and 192 barter, 193 OPC, I think you all have done it. Thank you so much guys, I hope you have liked it guys. बहुत ही कम समय में हमने पूरा क्या पूरा रिवाइज कर लिया, आपको अच्छा ही लगा होगा जरूर है, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप 8669661234 पे आप मुझे रिप्लाई करोगे। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा, आप जानते हो कि कितना बड़ा चैप्टर है, कितने कम समय में हमने इसको रिवाइज करा। ये सारी चीज, सारे जो चार्ट है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, जो पूरी तरह से अपडेटेड है। जरूर इसको बार बार देखें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और लोगों को बताएं कि मैं कैसे लॉ पढ़ाता हूं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय।